भगत सिंह तो केवळ एकच झाला होता, इथून हजारो भगत सिंह त्यांचं भाषण ऐकल्यानंतर निघतील एवढी अपेक्षा ठेवतो. नमस्कार. मंच पर बैठे हुए श्री प्रकाश भाई, श्री रवि भाई और यहाँ अकोला के सभी सम्मानित सज्जनों, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूँगा. आपसे इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. मैं आज यहाँ आ सका अकोला में, इसके लिए मैं नागरिक मंच और श्री प्रकाश भाई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया. शायद डेढ़ दिन पहले या दो दिन पहले यहाँ का कार्यक्रम तय हुआ और आप लोगों के बीच में आया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. आपके बीच आया हूँ एक ऐसे समय में जब चुनाव होने वाले हैं और मैं मेरे व्याख्यान के पहले ही ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है. और आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि मैंने आज तक मेरा वोट नहीं दिया किसी पार्टी को. तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी राजनीतिक दल की ये सभा नहीं है. ये सभा आपके बीच में आया हूँ और जो आयोजित हुई है ये राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, देश की हालत के बारे में कुछ बात करने की है. देश की हालत की कुछ व्याख्या आपके सामने करने की कोशिश करूँगा. तीन तरह की बात मेरे व्याख्यान में शामिल होगी. एक तो हमारे देश की आर्थिक हालत क्या है, उसके बारे में आपसे कुछ कहूंगा. दूसरी, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आचार्य संहिता लागू है, ये बात कहूंगा. और तीसरी, हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी हो गई है, उसके बारे में कुछ बात आपसे कहने की कोशिश करूंगा. अभी पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में एक चर्चा चल रही है, शायद आप सब उससे परिचित होंगे अखबारों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से. वो चर्चा है हमारे देश की आजादी के 50 साल की. भारत की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बात पूरे देश में कही जा रही है. तो देश की आजादी की स्वर्ण जयंती है और स्वर्ण जयंती के बारे में चर्चा भी है. तो एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, एक तरफ तो देश की आजादी के 50 साल का कार्यक्रम मना रहे हैं, दूसरे तरफ देश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमारी गुलामी के बारे में याद दिला रही हैं. एक तरफ देश की गुलामी के बारे में याद दिलाने वाली घटनाएं हैं और दूसरे तरफ देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने की बातें चल रही हैं. मैं एक उदाहरण से मेरा व्याख्यान शुरू करना चाहता हूं. आज से लगभग 3 महीने पहले हमारे देश में अक्टूबर 1997 में 12 तारीख को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ आई थी. और आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ हमारे देश में आई, उसके बारे में हिंदुस्तान के हर अखबार ने मुख पृष्ठ की खबर बनाई. भारत सरकार की तरफ से भी काफी प्रचार किया गया और लगभग 1 सप्ताह तक हिंदुस्तान सरकार के दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सिर्फ रानी एलिजाबेथ की खबर ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती थी. तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ भारत में आई, सच्चाई यह है कि उसको भारत सरकार ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था. तो एक तरफ तो हमारे देश की सरकार आजादी के 50 साल का जश्न मना रही है और दूसरे तरफ रानी एलिजाबेथ को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया. रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की रानी है और इन अंग्रेजों ने हमारे देश को 250 वर्षों तक बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया. हमारे देश में आए थे अंग्रेज व्यापार करने के बहाने, लेकिन देश को गुलाम बनाया था. और ना सिर्फ देश को गुलाम बनाया बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को सत्यानाश कर दिया था अंग्रेजों ने. ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत जैसे सोने की चिड़िया कहने वाले देश को भिखारी देश बना दिया. इन अंग्रेजों ने कैसे अत्याचार किए,
इसके बारे में आप सब अखबारों में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। 250 साल की जो गुलामी रही इस देश में, उसके लिए जो अंग्रेज जिम्मेदार थे, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फिर से निमंत्रण दिया गया आजादी के 50 साल में, और अंग्रेजों की रानी को हिंदुस्तान बुलाया गया आजादी के 50 साल में, और वो हमको ये याद दिलाने के लिए आई थी कि 50 साल पहले हमने तुमको गुलाम बनाया था। दुर्भाग्य क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई तो इसमें विशेष बात क्या है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रानी एलिजाबेथ का आना हमारे देश में एक विशेष दुर्घटना को बताता है। हमारे देश में बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बहुत सारे देशों के राजदूत आते हैं, लेकिन उनके आने जाने से कभी कोई दुर्घटना नहीं हुआ करती। ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान में आई तो उससे जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई, हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा, माने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, शायद 25 से 27 28 सितंबर के बीच का कोई दिन था, तो एक वक्तव्य छपा हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को भारत में आने की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपी, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छपी बल्कि दुनिया के कई देशों के अखबारों में यह बात छपी। जब यह बात लंदन के अखबारों में भी छपी तो लंदन के, वहां के कई सांसद हैं, वहां की जो पार्लियामेंट है, लंदन की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वहां के बहुत सारे सांसदों ने एक स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट यह किया कि भारत के प्रधानमंत्री की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए मना करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके कई मंत्री और उनके कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया, और यह हंगामा जो लंदन में हुआ वो बाद में हिंदुस्तान तक पहुंचा। और हमारे देश में क्या हुआ, लंदन से बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचे, और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया। वो प्रेस वक्तव्य भी हिंदुस्तान में छपा, दुनिया के तमाम देशों के अखबारों में छपा। तो 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र 24 घंटे के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में आने के लिए भारत सरकार स्वागत करेगी, और ना सिर्फ स्वागत करेगी बल्कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। 24 घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको भारत में आने की जरूरत नहीं है, और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य बदला और कह दिया कि ना सिर्फ वो भारत में आ सकती है बल्कि भारत के किसी भी गांव में जा सकती। और उसके साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि ब्रिटेन की महारानी को भारत में आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, माने बिना वीजा के ब्रिटेन की महारानी भारत में आ सकती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गुलामी की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे पहले एक बात कह रहे हैं और 24 घंटे के अंदर आपको वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। ब्रिटेन की महारानी आई, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उतरी, तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी का वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। कानून जानते हैं क्या है, कानून यह है कि आप दुनिया के किसी भी देश में बिना वीजा के जा नहीं सकते, और अगर आप कभी गलती से अमेरिका जाएं और आपके पास वीजा ना हो तो दो ही बातें होंगी आपके साथ, या तो अमेरिका की जेल में पकड़कर आपको बंद कर दिया जाएगा या किसी हवाई जहाज से वापस आपको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से
दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। औपचारिकतावश सरकार वीजा इशू करती है और बिना वीजा के किसी भी देश में जाने की परमिशन नहीं होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाते हैं तो उनको भी वीजा लेना ही पड़ता है। तो दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में आए या प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो उसको वीजा लेने की जरूरत है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाए तो उनको भी वीजा लेने की जरूरत है, लेकिन ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये बात जब सरकार ने कही तो हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसी कौन सी विशेषता है ब्रिटेन की रानी में जिसके लिए उसको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। और हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और इस प्रश्न का जवाब तलाशना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कई लोगों से बातें करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ एक दूसरी दुर्घटना और हुई कि जब ब्रिटेन की रानी दिल्ली आई तो उसको 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है 21 तोपों की सलामी लेने का, बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति हमारे यहां सर्वोच्च माना जाता है, जो भी संविधान की व्यवस्था है। तो ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बिना वीजा के वो हिंदुस्तान आई, पासपोर्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है जब उनको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है। तो जिस तरह का उनका स्वागत किया गया वो स्वागत देखने के बाद हमारे जैसे लोगों के मन में प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न क्या पैदा हुआ कि ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई थी सन 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, ब्रिटेन का राजा आया था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, अंग्रेजी में उसको कहते थे जॉर्ज फिफ्थ। वो हिंदुस्तान आया था 1911 में। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो बिना वीजा के आया था और उसको उस जमाने में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि जॉर्ज पंचम भारत का भी राजा था। क्यों? क्योंकि 1911 में हम ब्रिटेन के गुलाम थे और 1911 में यहां पर ब्रिटेन का शासन चलता था, ब्रिटेन का राज्य चलता था। तो चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड का राजा हमारा राजा होता था, तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया तो बिना वीजा के आया था और 21 तोपों की उसको सलामी दी गई थी। यह बात इतिहास में हमको मालूम है। तो यह दुर्घटना 1911 में हुई थी और इसके साथ साथ एक दुर्घटना और हुई थी कि 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था और जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और उनके साथ जो नौजवानों का संगठन था उन्होंने भयंकर विरोध किया था और जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए गए थे हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर। तो नतीजा क्या निकला था कि हमारे देश में अंग्रेजों की पुलिस ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जबरदस्त लाठी चार्ज किया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध करना माने इंग्लैंड के राजा का विरोध करना माने हिंदुस्तान के भी राजा का विरोध करना, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो यह दुर्घटना हुई थी 1911 में। यह दुर्घटना चूंकि 1911 में हुई तो मेरे जैसे आदमी के मन में शंका का समाधान हो गया, क्योंकि हम 1911 में गुलाम थे, हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने इंग्लैंड के राजा को काले झंडे दिखाए, हिंदुस्तान में लोकमान्य तिलक और उनके साथी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ कि उन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया और जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा होने के साथ साथ भारत का भी राजा था, तो यह दुर्घटना 1911 में हुई तो मुझको समझ में आता है। लेकिन वही दुर्घटना अगर आजादी के 50 साल के बाद 1997 में भी हो तो मन में प्रश्न उठता है। 1911 में जॉर्ज पंचम बिना वीजा के आया क्योंकि वो इस देश का मालिक था, लेकिन 1997 में रानी एलिजाबेथ बिना वीजा के क्यों आई?
अंग्रेजों का राजा जॉर्ज पंचम आया बिना वीजा के तो समझ में आता, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान में बिना वीजा के आती है यह बात समझ में नहीं आई। हमारे देश में आजादी बचाओ आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे कई संगठनों ने रानी की यात्रा का विरोध किया, तो हमारे साथ भी वही दुर्घटना हुई जो 1911 में लोकमान्य तिलक और उनके साथियों के साथ हुई थी। बहुत सारे नौजवान क्रांतिकारियों पर रानी के आने के विरोध में जो उन्होंने प्रदर्शन किया उन पर लाठी चार्ज किया गया, और ना सिर्फ लाठी चार्ज किया गया बल्कि जेलों में बंद कर दिया गया। अमृतसर में बहुत सारे सिख नौजवान थे जिन्होंने रानी को काले झंडे दिखाए तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया, और यह दुर्घटना हो रही थी आजादी के 50 साल में। और हमारी सरकार रानी के प्रोटेक्शन में इस तरह से लगी हुई थी जैसे जॉर्ज पंचम के प्रोटेक्शन में 1911 में कभी यह हुआ होगा। तो यह जो दुर्घटना हुई हमारे देश में, इस दुर्घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है यह जानना चाहिए। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया। मेरे एक वकील दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में घुसने की परमिशन मिले, इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उस वकील ने मुझे कहा कि हां राजीव भाई, इस बात की पूरी लीगल वैलिडिटी है कि ब्रिटेन की रानी को भारत में आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उन वकील से कहा कि यह सिर्फ एक स्थिति में होता, ऐसी लीगल वैलिडिटी एक ही स्थिति में होती है, और वो स्थिति क्या होती है कि मान लीजिए आप जब हिंदुस्तान से अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं या फ्रांस जाएं या किसी भी देश में जाएं और वापस अपने देश में लौटें तो आपको वीजा नहीं पूछा जाएगा, आपका पासपोर्ट भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। तो आप जिस देश के नागरिक हैं उसी देश में जब आप वापस लौटते हैं तो आपको ना तो वीजा पूछा जाता है ना पासपोर्ट पूछा जाता है। तो मैंने मेरे वकील दोस्त से कहा कि ब्रिटेन की रानी को अगर वीजा नहीं पूछा गया, पासपोर्ट नहीं पूछा गया, तो मैं ये मानूं क्या कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? तो उन्होंने कहा कि हां ऐसा है। तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है और इस बात की लीगल वैलिडिटी है तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? एक तरफ हम कहते हैं आजादी के 50 साल, एक तरफ हम कहते हैं भारत की स्वर्ण जयंती आजादी की, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की अगर नागरिक है तो इस आजादी का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमें आजादी नहीं मिल पाई है अभी तक। तो मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, एक कानून है उसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा वो कौन सा कानून है? तब उन्होंने मुझे बताया कि 1947 के साल में एक कानून बना था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और यह कानून बना था 4 जुलाई 1947 को, माने 15 अगस्त से लगभग 10-15 दिन पहले। तो यह कानून बना था हमारे देश में आजादी के पहले, और इस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस कानून के आधार पर ब्रिटेन की महारानी अगर हिंदुस्तान में आएगी तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कानून आप मुझे दे सकते हैं पढ़ने के लिए? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो उसकी कॉपी नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मिलेगी? तो उन्होंने कहा कोशिश करो भारत की संसद की लाइब्रेरी में मिल जाए, तुमको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिल जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाई। फिर दूसरी एक कोशिश की तो उसमें थोड़ी सफलता मिली, उस कानून की फोटोकॉपी लंदन से आई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो वहां से वो कॉपी आई और सबसे पहले हम लोगों ने वो कानून को पढ़ने की कोशिश की तो उसमें लिखा हुआ है, पूरे कानून की बातें 70-80 पन्नों में हैं लेकिन कानून के प्रीएम्बल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है,
एक वाक्य लिखा है 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। और यह कानून पारित क्यों किया गया है? भारत की आजादी के लिए यह कानून पारित किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। माने हमको आजादी मिल रही है तो हमारी आजादी का कानून विदेशी संसद में पारित हुआ, और अगर हमारी आजादी का कानून एक विदेशी संसद ने पारित किया है तो वो विदेशी संसद अगर उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का क्या होगा? क्योंकि जो संसद कानून पारित करती है वही संसद उस कानून को वापस भी ले सकती। तो मान लीजिए 4 जुलाई 1947 को वो कानून पारित हुआ है लंदन में, तो कल को वो लंदन की पार्लियामेंट से वापस हो जाए तो हमारी आजादी के सामने पूरा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दुर्भाग्य हमारा आपका जानते हैं क्या है कि हम आजाद भी हुए हैं तो यह कानून अंग्रेजों ने तय किया है, हमने तय नहीं किया है। हमारी आजादी के बारे में हमने तय नहीं किया। वो कानून क्या है? 4 जुलाई 1947 को लंदन की पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके प्रीएम्बल में एक वाक्य लिखा हुआ है। उस वाक्य का अंग्रेजी में क्या भाषांतर है? आफ्टर 15th August 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट्स। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता? दुनिया के किसी भी देश की डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो उसका एक ही मतलब होता है। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और चूंकि हम डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो हैं किसके हम डोमिनियन स्टेट्स? यूनाइटेड किंगडम के या कॉमनवेल्थ के। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत क्या बनी है? हमारी हैसियत बनी है कि हम यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बनाए गए कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो बात समझ में आती है कि आज भी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और यह बात अगर 4 जुलाई 1947 के कानून से है तो मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न आजकल जो उठ रहा है वो ये कि 50 साल से इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। यह बात तो हिंदुस्तान की संसद में आनी चाहिए थी। शायद पिछले साल आपने देखा होगा 14 अगस्त की रात को 12 बजे भारत की संसद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ, तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो बात भारत के संसद में आनी चाहिए कि हम 50 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि हम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कब बनेंगे? कितने साल और लगेंगे उसमें? और अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है तो फिर आजादी की यह स्वर्ण जयंती क्यों मना रहे हैं? किसके गले पर तमाचा मार रहे हैं? और वो बात जब समझ में आई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रानी अगर आएगी हिंदुस्तान में तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट के ही आएगी, क्योंकि आप उनके डोमिनियन स्टेट्स हैं। और इस बात को आप एक दूसरी जगह और देख सकते हैं। जो लोग यहां बैठे हैं इस सभा में, अगर वो वकील हों और वकालत करते हों तो आप भारत के संविधान को उठाकर देखिए। भारत के संविधान में कहीं भी इंडिया एज ए नेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे संविधान में भारत के लिए नेशन नाम का शब्द नहीं है, हर जगह इंडिया स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हम सिर्फ एक राज्य बनकर रह गए हैं, राष्ट्र बन नहीं पाए हैं। कानूनी रूप से हमारी यह हैसियत है। तो इसलिए
रानी अगर आती है तो उसका स्वागत करना हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसका स्वागत करना हमारे राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और इसी के साथ एक दूसरे सवाल का जवाब भी हमको मिला कि जब रानी आई थी तो भारतीय सरकार ने रानी के सम्मान के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में क्या हुआ था, ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया था, राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया था। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, यह आप जान लीजिए। राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नाम नहीं होता, और कोई भी निमंत्रण पत्र अगर छापना हो, कोई भी पत्रक छापना हो जिसमें किसी विदेशी अतिथि के साथ राष्ट्रपति का नाम देना हो, तो नियम यह है कि राष्ट्रपति का नाम हमेशा ऊपर होता है, बाहर से आने वाले अतिथि का नाम या तो बराबर में होता है या नीचे होता है। लेकिन ब्रिटेन की रानी का नाम राष्ट्रपति के नाम के ऊपर छापा गया, और भारत सरकार ने इस बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हिंदुस्तान के सभी अखबारों में छपा भी था। एक पत्रकार ने पूछा था भारत सरकार के प्रवक्ता से कि ये ब्रिटेन की रानी का नाम ऊपर छापा गया और भारत के राष्ट्रपति का नाम नीचे छापा गया, ये कहीं गलती से तो नहीं हुआ? तो भारतीय सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ये जानबूझकर छापा गया है, माने गलती नहीं हुई है, जानबूझकर छापा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी आपकी महारानी है, इसलिए उसका नाम हमेशा राष्ट्रपति के नाम के ऊपर जाएगा, आपके राष्ट्रपति का नाम उससे नीचे जाएगा। हमारे देश में एक कानून है, जानते हैं क्या है, अगर आप राष्ट्रपति का अपमान करें तो आपको जेल हो जाएगी, ये कानून है। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती इस देश में, और अगर आपने टिप्पणी की तो आपको जेल हो जाएगी। क्यों हो जाती है? कानून यह कहता है कि राष्ट्रपति की मान्यता सर्वोच्च है, उनका अपमान नहीं कर सकता कोई, लेकिन खुद भारत सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया और उस सरकार को जेल में होना चाहिए था। पूरे देश में खामोशी, और इस बात की नोंद हमारे देश के किसी भी कोर्ट ने नहीं ली। मैं महीनों महीनों इंतजार करता रहा कि यह कोई छोटी दुर्घटना नहीं है, शायद हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान का कोई हाई कोर्ट या हिंदुस्तान की कोई अदालत इस बात की जानकारी लेकर कोई एक केस फाइल करेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि यह इतना बड़ा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां इस सवाल को उठाकर पूरे देश में हंगामा करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से सब राजनीतिक पार्टियों के नेता रानी के साथ फोटो खिंचवाने में दिल्ली में मस्त थे। उनको यही चिंता थी कि हमारा फोटो रानी के साथ कैसे खींचा जाए। इस देश के नेताओं की मानसिक गुलामी का इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा कि जिस देश को अंग्रेजों ने 250 साल गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने हमको बर्बाद कर दिया सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन अंग्रेजों की रानी के साथ हमारे देश के नेता फोटो खिंचवाने में मस्त है और किसी को लगता नहीं कि यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। और यह दुर्घटना नहीं हुई होती तो हमारे जैसे लोगों को भी पता नहीं चलता कि आज तक हम डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उससे भी ज्यादा खराब मुझे एक चीज और लगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा गया था, उस गीत का नाम है जनगण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता? जनगण मन अधिनायक माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के, हिंदुस्तान के गणों के अधिनायक, सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। माने जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो जॉर्ज पंचम और जिस जॉर्ज पंचम की सरकार से पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया गया, उसके स्वागत में कोई गीत लिख रहा है, कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंद विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंग, माने जिस देश में पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, इतनी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं उनके नाम लेते हुए, ऐसी नदियां हैं, उन सबकी तरफ से तब शुभ आशीष मांगे, हम तुम्हारे लिए आशीष मांग रहे हैं।
दुआएं कर रहे हैं, गाए तब जय गाथा, तुम्हारी ही जय के गीत गा रहे हैं हम, जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी मंगल कामनाएं करते हुए हम ये गीत गा रहे हैं। ऐसी चाटुकारिता का हिंदुस्तान में दूसरा नमूना नहीं मिलेगा आपको। आपने सुना होगा हमारे देश के इतिहास में कुछ जगहों पर वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, हमारे देश में राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट कवि हुआ करते थे। तो ये जो चारण और भाट कवि हुआ करते थे, ये क्या करते थे, राजाओं के जयगान गाने के लिए गीत लिखा करते थे। राजा चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना बेईमान हो, चाहे जितना करप्ट हो, चाहे जितना बदमाश हो, उन सबके बारे में ऐसे ऐसे गीत लिखते थे वहां के चारण और भाट कवि कि लोगों को लगता था कि राजा तो बड़ा महान है, जबकि होता था उसका ठीक उल्टा। तो राजा क्या किया करता था कि जब चारण और भाट कवियों के गीतों से राजा प्रसन्न होता था तो इनाम दिया करता था। क्या इनाम मिलते थे, जो चारण और भाट कवि जितनी ज्यादा चाटुकारिता करते थे किसी राजा की, उनको स्टेट मिल जाती थी, जागीरें मिल जाती थी, सोने की असरफियां मिल जाती थी, सोने चांदी के कुछ जेवरात मिल जाया करते थे। तो इस तरह का सारे देश में चला करता था। ठीक उसी तरह के चारण और भाट कवि ने हिंदुस्तान में एक गीत लिख दिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो जानते हैं इनाम क्या मिला, उस कवि को नोबल प्राइज दिलवा दिया। 1911 में यह गीत लिखा और 1914 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज मिल गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के राजा की इतनी चाटुकारिता तो ब्रिटेन में कभी उन्होंने नहीं सुनी होगी जो हमारे देश में की कुछ लोगों। और हमारा और आपका दुर्भाग्य जानते हैं क्या है, हमारा और आपका दुर्भाग्य कि जो गीत लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए, उसका चरण गान गाने के लिए, वही गीत हमारे देश में राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। बहुत बार कांग्रेस के अंदर इस बात पर बहस हुई, वो कांग्रेस जो आजादी के पहले, आज की नहीं, तो बहस यह होती थी कि यह गीत नहीं चलने वाला है और चलता भी नहीं था। ज्यादातर दो ही गीत गाए जाते थे, या तो वंदे मातरम गाया जाता था या गाया जाता था झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये गीत तो आपके देश की आजादी मिलने के बाद, आजादी नहीं कहता मैं, तथाकथित आजादी मिलने के बाद आपके देश में चालू किया गया राष्ट्रगीत के रूप में। ये हम सबकी कम नसीबी है कि जो गीत हमको गाना पड़ता था अंग्रेजों की चाटुकारिता में, वही गीत अभी फिर गाया गया था 12 अक्टूबर 1997 को रानी एलिजाबेथ के सम्मान में। और जिस देश की प्रजा और जिस देश के प्रजाजन और जिस देश की नीतियां बनाने वाले लोग ये तय नहीं कर सकते कि गुलामी के पहले के गीत हम नहीं गाएंगे और उनको हम राष्ट्रगीत नहीं बनाएंगे, उस देश की आजादी के बारे में मतलब क्या है। इसलिए अक्सर हम लोग सारे देश में एक बहस चला रहे हैं कि क्या सच में आजादी मिल गई है। अगर आजादी मिल गई होती तो उस जमाने के गुलामी के गीत को क्यों गाना पड़ता। और हमारा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है, 50 साल पूरे देश में बहस चली तब जाके संसद में अभी वंदे मातरम गाना शुरू किया गया, उसके पहले तो वो भी नहीं गाया जाता था। जो वंदे मातरम हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक रहा, जिस वंदे मातरम को गाते हुए लाखों करोड़ों शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिस वंदे मातरम को कहते हुए हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शहीद हुए, अंग्रेजों की गोलियां खाकर मरे, लाठियां खाकर मरे, अंग्रेजों के अत्याचार खाकर मरे, उस वंदे मातरम को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गाने में 50 साल लग गया हमको। ये देश की आजादी के लक्षण है, क्योंकि जो देश आजाद होता है किसी गुलामी से, वो देश अपनी गुलामी वाली व्यवस्थाओं को आगे नहीं चलाया करता। ठीक है हम 250 साल गुलाम हो गए थे अंग्रेजों के, लेकिन अंग्रेजों की 250 साल पुरानी व्यवस्थाओं को हम क्यों चलाएंगे आजादी के बाद, ये मूल प्रश्न है। और इसी मूल प्रश्न पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि अभी आजादी आना बाकी है,
क्योंकि आप आजाद हुए हैं कंडीशनल। कंडीशनल माने क्या? 4 जुलाई 1947 का कानून जो कहता है आफ्टर 15th अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट्स। हम डोमिनियन स्टेट्स हैं ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और इसलिए एक बात और समझ में आती है, आप कभी भारत के संविधान को पढ़िए तो भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है 372, ये आर्टिकल क्या कहता है? 372 नंबर का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो ये कहता है कि भारत में आजादी आने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी कानून वही चलेंगे जो अंग्रेजों ने चलाए थे। माने अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे हमारे देश में वो सारे के सारे कानून हमारी आजादी के बाद भी चल रहे हैं, और ये बात हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून अगर आजादी के 50 साल बाद भी चल रहे हैं तो प्रश्न पूछना चाहिए कि हम आजाद हैं क्या। एक बार एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा था। महात्मा गांधी से उस पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बापू हिंदुस्तान की आजादी के बारे में आपके मन में सपना क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज चाहे तो हिंदुस्तान में रहे लेकिन अंग्रेजियत जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो हमारे मेहमान बनकर रह सकते हैं लेकिन अंग्रेजियत की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो उस पत्रकार ने फिर पूछा कि बापू ये अंग्रेजियत क्या है? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अंग्रेजियत का माने अंग्रेजों की बनाई गई जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब अंग्रेजियत, वो जानी चाहिए। अंग्रेज चाहे तो इस देश में रह सकते हैं। दुर्भाग्य से क्या हुआ, गांधी जी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की व्यवस्थाएं इस देश में बरकरार हैं। आपको मालूम है, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि अंग्रेजों के बनाए हुए 3,735 कानून इस देश में आज भी चल रहे हैं। एक दो नहीं, 3,735। और वो 3,735 कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? आपके देश को बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों की काम करने की एक पद्धति थी। अंग्रेजों की काम करने की क्या पद्धति थी कि वो देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां बनाते थे और उन नीतियों के आधार पर कानून बनाते थे, और फिर वो सारी दुनिया में कहा करते थे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उस कानून के पालन में हिंदुस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कभी ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि जेब काटना कानून बन जाए तो जेब काटी जाए लोगों की, क्योंकि कानून है, और कानून से जब आपकी जेब काटना शुरू कर दिया जाए तो कोई कहेगा कि मेरी तो जेब कट रही है, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो कानून है। तो जिन लोगों ने जेब काटने का कानून बनाया है वो कहेंगे कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब उसमें आपकी जेब कटे तो हमसे क्या लेना देना। और मैं इसके लिए आपको एक सॉलिड एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ऐसा ही एक तीसरा कानून बनाया था अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है टोल टैक्स। और ऐसा ही एक कानून बना दिया था हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लोगों की जेब काटने के लिए, उसका नाम है ऑक्ट्रॉय टैक्स। और ऐसा ही एक कानून और बना दिया था हिंदुस्तानी लोगों को बर्बाद करने के लिए, उसका नाम है सेल्स टैक्स। आपको मालूम है ये टैक्सेशन के जितने कानून चलते हैं हिंदुस्तान में ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स लगाया क्यों? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में टैक्स इसलिए लगाया, अंग्रेजों की एक नीति थी, वो नीति क्या थी? अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बेचना है, और अंग्रेजों को अपना माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बेचना है तो उसके लिए जरूरी था कि हिंदुस्तानी माल को टैक्स लगाकर इतना महंगा कर दिया जाए और अंग्रेजी माल को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो होता क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों के देश से कपड़ा बिकने के लिए आता था तो वो टैक्स फ्री होता था, और हिंदुस्तान में जो कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति होते थे उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो कपड़ा महंगा हो जाता था। हमारे देश में सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी
वो अंग्रेजों ने बर्बाद की टैक्स लगाकर। तो कानून उन्होंने बना दिया कि हिंदुस्तान में जितने व्यापारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, उनके ऊपर भयंकर टैक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका माल बाजार में महंगा होता चला जाए। और दूसरे बाजू में अंग्रेजों के देश से जितना माल हिंदुस्तान में आएगा वो सब टैक्स फ्री कर दो, ताकि वो सस्ता हो जाए और हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके। हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगेगा और अंग्रेजी व्यापारियों पर टैक्स नहीं लगेगा, यह नीति बनाई गई थी। और इस नीति का नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। और उनके मुक्त व्यापार की परिभाषा क्या थी? एक बार अंग्रेजों की संसद में बहस चली, हमारे पास अंग्रेजों की संसद में जो बहस चली है उसके कुछ दस्तावेज हैं। तो उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एक दिन अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी, और अंग्रेजी संसद में बहस चल रही थी तो एक अंग्रेज एमपी ने सवाल पूछा कि ये फ्री ट्रेड क्या है। तो एक अंग्रेज दूसरे नेता ने उसका जवाब दिया कि अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिके, ये है फ्री ट्रेड। और बदले में हिंदुस्तानी कंपनियां जो चलती हैं वो बंद हो जाएं, ये है फ्री ट्रेड। हिंदुस्तान के लोगों से कच्चा माल हम ले जाएं बिना पैसे में, ये है फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के देश से पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में बेचें, ये है फ्री ट्रेड। तो उस एमपी ने पूछा कि इस फ्री ट्रेड को भारत में चलाने के लिए आपने क्या किया? तो दूसरा अंग्रेज एमपी जवाब दे रहा है कि हमने हिंदुस्तान में टैक्सेशन का नेटवर्क बना दिया। तो कितना टैक्स लगाया है आपने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर? तो अंग्रेज एमपी बता रहा है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 100 रुपए का व्यापार करे तो उसके ऊपर हमने 127 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो पहले वाला एमपी फिर पूछ रहा है कि ये 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारी को, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो वो कह रहा है इसके दो ही नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा यह निकल सकता है कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदार है और ईमानदारी से वो 127% टैक्स देना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए के व्यापार पर अगर 127 रुपए का टैक्स देना पड़ जाए तो वो व्यापारी धंधा नहीं कर सकेगा। तो उसने कहा दूसरा रास्ता क्या होगा? उसने कहा दूसरा रास्ता एक निकल सकता है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर टैक्स देना बंद करेंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, और टैक्स की चोरी करेंगे तो बेईमान बनेंगे, और बेईमान लोगों को गुलाम बनाना आसान होता है। माने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर ईमानदारी से टैक्स देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर टैक्स देना बंद करेंगे, चोरी करेंगे, तो बेईमान हो जाएंगे। या तो हम उनको बेईमान बना देंगे या उनको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बेईमान बनेंगे तो भी बर्बाद होंगे हमारे कब्जे में आने के बाद, और ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो भी बर्बाद होने ही वाले हैं। इसलिए हमने टैक्सेशन का सिस्टम भारत में चलाया है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है। और दुर्भाग्य से आपको मालूम है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए वो सब के सब आज भी आपके ऊपर लगे हुए हैं। और अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या थी? अंग्रेजों की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट थी कि भारत के लोगों पर इतना टैक्स लगा दो कि वो बर्बाद हो जाए। आपकी सरकार भी आजादी के 50 साल के बाद उसी नीति का अनुसरण कर रही है। अंग्रेजों ने भारत के व्यापारियों पर टैक्स लगाया भारत का व्यापार खत्म करवाने के लिए। आपकी सरकार भी आपके व्यापारियों पर टैक्स लगा रही है आज के व्यापारियों का व्यापार खत्म कराने के लिए। आप सोचिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको शायद याद होगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया था तो वो होता था 97% इनकम टैक्स था अंग्रेजों के जमाने में 97%। माने 100 रुपए की आमदनी है तो 97 रुपए अंग्रेजों की सरकार को आप टैक्स में दे दीजिए, बस 3 रुपया आपको छोड़ा जाएगा। जो 97% इनकम टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, वो इनकम टैक्स आजादी मिलने के बाद भी लगभग 30-40 साल तक लगा रहा। जो बुजुर्ग यहां बैठे उनको याद होगा कि 1982 के साल तक इस देश में इनकम टैक्स लगता था 97%। क्यों? 1947 में अंग्रेज चले गए थे तो अंग्रेजों के बाद ये इनकम टैक्स भी चला जाना चाहिए था, लेकिन वही इनकम टैक्स आजादी के बाद 1982 के साल तक लगता रहा
और आपका खून चूसता रहा। अंग्रेजों ने लगाया था सेंट्रल एक्साइज का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज भी चल रहा। अंग्रेजों ने लगाया था ऑक्ट्रॉय का टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो टैक्स खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी लगा हुआ। अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स, अंग्रेज चले गए 1947 में, वो चला जाना चाहिए था टोल टैक्स का कानून, वो आज भी लगा हुआ। और टैक्सेशन का पूरा सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया था आपको बर्बाद करने के लिए। अंग्रेजों के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक जानकारी और मिली हमको कि ये टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट बनाया अंग्रेजों ने, उस डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। जो अंग्रेजों के टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स आते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, जिनकी ट्रेनिंग होती थी, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी। तो ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारियों को एक फिलॉसफी सिखाई जाती थी। क्या फिलॉसफी सिखाई जाती थी? कि आप टैक्स कलेक्ट कर पाए या न कर पाए यह इमेटीरियल है, माने आप रेवेन्यू कलेक्शन करें न करें यह इमेटीरियल है, लेकिन आप हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद कर दे। तो क्या होगा? तो जब हिंदुस्तानी व्यापारी अपना धंधा बंद करना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजों के धंधे हिंदुस्तान में चलेंगे, यह उनकी नीति थी। तो टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग जिस आधार पर होती थी अंग्रेजों के जमाने में, आज भी टैक्स का कलेक्शन करने वाले अधिकारियों की ट्रेनिंग वैसे ही होती है। और आज भी उन अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप रेवेन्यू कलेक्शन कर पाए ना कर पाए, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना धंधा बंद करके बैठ जाए। और इसी के साथ एक तीसरी बात और बताऊं कि एक बार अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक बहस और चली, वो हिंदुस्तान में भी चली। यहां वायसराय होता था, वायसराय की काउंसिल होती थी, पहले ये पार्लियामेंट नहीं थी। ये पार्लियामेंट तो 1925-26 में बना, उसके पहले वायसराय की काउंसिल के माध्यम से पूरा देश चलता था। तो एक बार हिंदुस्तान में जो वायसराय था उसकी काउंसिल में डिबेट चली। क्या डिबेट चली? एक मेंबर था वायसराय की काउंसिल का, वो ये कह रहा है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतना जटिल बनाया है, जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। उसी मेंबर ने एक बात और कही कि सेंट्रल एक्साइज का टैक्स जो है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा क्यों किया है? तो जवाब मिला उसको कि ये कॉम्प्लिकेशन इसलिए है ताकि हिंदुस्तानी लोग इसको समझ ना सके। जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वो लोग समझ नहीं पाए तो क्या होगा? जब वो उसको समझ नहीं पाएंगे तो डोर हमारे हाथ में रहेगी, हम चाहेंगे वैसा इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उसका। और दुर्भाग्य से वो कॉम्प्लिकेटेड एक्ट इनकम टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज का आज भी चल रहा है। और कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं दोनों कानून, शायद ही दुनिया में किसी देश में इतने कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज के कानून होंगे जितने हिंदुस्तान में है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स में 40 साल से प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछा कि 40 साल से आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आता है कि इनकम टैक्स एक्ट है क्या? तो पूरी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि राजीव, 40 साल की प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझको मालूम नहीं कि ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या। तो मैंने कहा कि जब आपको समझ में नहीं आता ये इनकम टैक्स है क्या, तो आप इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे ये मजबूरी है। तो मैंने कहा कि जिस आदमी के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है अगर उसको ये समझ में नहीं आए तो उसने कहा अन्याय करेगा ये कानून। न्याय के लिए थोड़ी बनाया गया, अन्याय करने के लिए बनाया गया। और वो अन्याय क्या है? आपको इतना दबा के रखा जाए, इतना कंट्रोल करके रखा जाए कि आप ऊपर निकल नहीं पाए। और मैं लोगों को, इस देश के उन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को धन्यवाद देता हूं जो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, पता नहीं सर्विस टैक्स, क्या क्या टैक्स के होते हुए भी कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। वरना भारत सरकार ने तो आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जानते हैं आज क्या चल रहा है इस देश में? आज इस देश में वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या चलता था? अंग्रेजी माल आएगा
टैक्स फ्री होगा और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से हिंदुस्तान में जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, बाहर से आने वाले माल पर लगातार ड्यूटीज कम की जा रही हैं और हिंदुस्तानी लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम है यह सर्विस टैक्स क्यों लगा दिया आपके ऊपर 5%? और सर्विस टैक्स के बाद अब पिछले 3-4 दिन पहले इंटरेस्ट रेट में जो परिवर्तन करके सरकार ने आपके ऊपर थोप दिया है, ये जानते हैं क्यों हो रहा है? हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स बढ़ाना है, विदेशी व्यापारियों को टैक्स फ्री करना। आपको मालूम है इस देश में एक कानून है कि कोई अगर परदेशी कंपनी आए, कोई परदेशी व्यापारी आए और वो भारत सरकार को झूठ मूठ को कहे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो 10 साल तक भारत सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेती, 10 साल तक उसको टैक्स हॉलीडे मिलता है, माने विदेशियों को टैक्स फ्री और आपके ऊपर भयंकर टैक्स। यह चलता था अंग्रेजों के जमाने में, वही चल रहा है आज आजादी के 50 साल के बाद। इसलिए मैं पूछता हूं कि आजादी आई है क्या? अंग्रेजों ने चलाया था यह टैक्स का कानून हमें बर्बाद करने के लिए, व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए, आजादी आई है क्या हमारे देश में? अगर भारतीय तंत्र होता तो भारतीय तंत्र हमेशा से एक सिद्धांत पर काम करता आया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ, उसका नाम था चाणक्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाणक्य भी एक अर्थशास्त्री था। दुर्भाग्य क्या है कि हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता। दुनिया जहान के तमाम अर्थशास्त्रियों को तो हम पढ़ते हैं, स्मिथ ने क्या कहा, स्टीवेंसन ने क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, डिमाके ने क्या, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मेरे देश में जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ चाणक्य, उसी को नहीं पढ़ाते आपकी विश्वविद्यालय की शिक्षा में, माने गुलामी की शिक्षा है। चाणक्य जानते हैं क्या कहता था? एक बार चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ, चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का झगड़ा हुआ, झगड़ा किस बात का हुआ? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि मुझे टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना। क्यों, पूछा उसने, कि मुझे समाज सेवा के काम करने हैं। तो चाणक्य ने कहा कि समाज सेवा के काम तुम मत करो, इसके लिए समाज के लोग बहुत हैं, वो कर लेंगे। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना ही बढ़ाना है ताकि राज्य के लिए कुछ ज्यादा पैसा मेरे पास बच सके। तो चाणक्य ने उससे कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाओ, तुम्हारे मन में योजना क्या है? कहने लगा मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि कभी गलती मत करना। तो उसने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जो जवाब दिया है वो सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। वो कह रहा है कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, 5% तो मैक्सिमम लिमिट है। और इस समय वो बात कर रहा है चंद्रगुप्त से, तो कह रहा है कि इस समय हमारे राज्य में टोटल उत्पादन का 5% कर लग रहा है ऑलरेडी, इससे ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। तो उसने पूछा कि फिर ये हमारा टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? तो कह रहा है कि तुम राज्य का वातावरण ऐसा बनाओ कि व्यापार 2 गुना हो जाए तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाएगा। माने तुम व्यापार इतना बढ़ाओ कि वो अभी जो व्यापार चल रहा है उसका 2 गुना हो जाए तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो जाएगा, टैक्स की दर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो चेतावनी दे रहा है कि ये गलती मत करना। चंद्रगुप्त ने वही किया, और चंद्रगुप्त ने जो किया उसको भारतीय इतिहास में कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था हमारा, स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं। ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता? हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की, शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था।
तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा, और अगर चाणक्य ये कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया, 10% पे ले गया। और उसने कहा एक साल तक मैं यही चलाऊंगा। एक साल उसने चलाया। एक साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? एक साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा, और सारे देश को उसने चुप करा दिया उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करने योग्य था। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था जिस जमाने में टैक्स सबसे कम लगता था। और ये जो चाणक्य की फिलॉसफी है कि टैक्स की रेट जितनी कम से कम होगी, टैक्स कलेक्शन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा, ये भारत सरकार ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि भारत सरकार स्वदेशी है नहीं। ये शरीर से दिखने में स्वदेशी है, इसमें काम करने वाले लोगों की आत्मा विदेशी है। अगर उनकी आत्मा देशी होती तो चाणक्य की इस फिलॉसफी को कब का इस देश में लागू किया गया होता। हमारे देश में एक ही नेता हुआ जिसने चाणक्य की इस आर्थिक फिलॉसफी को पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की कोशिश की। शायद उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। वो व्यक्ति था गुलाम बख्शी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ। तो जब गुलाम बख्शी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुआ तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को उसने पढ़ रखा था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद उसने फैसला किया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके तुरंत बाद उसने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में टैक्स की रिडक्शन करनी, टैक्स की दर कम करनी। और कितनी कम करनी है? उसने कहा मैक्सिमम 10%, इसके ऊपर नहीं जाना। तो हंगामा मच गया पूरे देश में। क्या हंगामा मच गया? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर को डुबो देगा, टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा, और टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा तो सरकार नहीं चलेगी, राज्य नहीं चलेगा, राज्य के कामकाज नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। पूरे देश में बहस चलने लगी। गुलाम बख्शी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, मैं ये करूंगा, और अगर चाणक्य ये कहता था तो एक बार करके तो देखूं, हो सकता है परिणाम निकल आए उसमें से। तो उस आदमी ने हिम्मत की और उसने टैक्स कम करते 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 कहां तक ले गया, 10% पे ले गया। और उसने कहा एक साल तक मैं यही चलाऊंगा। एक साल उसने चलाया। एक साल के बाद नतीजा जानते हैं क्या निकला? एक साल पहले जम्मू कश्मीर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 300 गुना ज्यादा दूसरे साल में कलेक्ट हुआ। माने जैसे ही उसने टैक्स की दर कम की, टैक्स का कलेक्शन उसका 300 गुना बढ़ा, और सारे देश को उसने चुप करा दिया उस एक व्यक्ति ने। और यह बात हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की टैक्सेशन की व्यवस्था खत्म होने के बाद अगर हिंदुस्तानी टैक्सेशन की व्यवस्था कोई आनी चाहिए थी तो वो ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए थी जिसमें कम से कम टैक्स लगे लोगों के ऊपर और लोगों को छोड़ा जाए, मुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ उल्टा। अंग्रेजों ने जितने टैक्स लगाए उतने ही टैक्स आज आपके ऊपर लगे हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से।
कभी कभी एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं, अगर साधारण रूप से आप सारे कानूनों का पालन करें, हर कानून का पालन करें जो टैक्सेशन के सिस्टम में बनाया हुआ है, तो हर व्यक्ति को 100 रुपए की आमदनी अगर वो कर रहा है तो कम से कम 110 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो नीतियां वही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। और बंबई जैसे शहरों में, बड़े महानगरों में, एक दिन मैं बैठा था, मेरा एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने उससे कहा कि यार कुछ कलेक्शन, वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि ये टैक्सेशन का नेटवर्क है इसको समझने के लिए। तो बंबई जैसे देश शहर में बैठकर जब हमने कैलकुलेशन करना किया तो ईमानदारी के साथ अगर कोई 100 रुपए कमाए तो 127 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा उसको। ये आज भी 127% टैक्स का रेट आज भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर। और यही व्यवस्था चल रही है जो 250 साल पहले चलती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है और आपको भी वैसे ही चूसा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, अंग्रेजों की सरकार टैक्स कलेक्ट करती थी और क्या करती थी, हिंदुस्तान से लंदन ले जाती थी। अर्थशास्त्र की परिभाषा में कहते हैं उसको कि टैक्स कलेक्शन होता था और कैपिटल फ्लाइट होता था। कैपिटल फ्लाइट दो तरीके से होता था। अंग्रेजों की सरकार एक तो क्या करती थी कि रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सीधे इंग्लैंड जाता था। दूसरा तरीका क्या होता था कि अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर्स घोटाले किया करते थे। अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, घोटाला मास्टर था वो। हां, इतिहास में आपको जानकारी नहीं दी गई है जानबूझकर, क्योंकि हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान में कम से कम उस जमाने में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और वो पैसा यहां से ले गया था। ऐसे ही एक दूसरा अंग्रेज ऑफिसर था, लॉर्ड कार्नवालिस, एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था विलियम पिट, और एक ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ऐसे ऑफिसर्स हुआ करते थे जो भयंकर घोटाले करते थे, और जब ये ऑफिसर यहां से घोटाला करके लंदन जाते थे तो उस घोटाले के पैसे में से कुछ हिस्सा वहां देना पड़ता था। एक बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहां जितना घोटाला किया, पैसा कमाया, उसमें से कोई पैसा उसने बताया नहीं कि मैं कितना कमा के लाया। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चला, किस बात के लिए कि जो पैसा तुम हिंदुस्तान से लेके आए हो घोटाला करके, उसमें से तुमने बंटवारा नहीं किया, इसलिए मुकदमा चला। तो होता क्या था कि एक तो पैसा था जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता था, यहां से सीधे जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का, और दूसरा पैसा होता था कि अंग्रेज ऑफिसर घोटाला कर करके यहां से करोड़ों रुपया ले गए थे, करोड़ों रुपया जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो घोषित लूट की है उसका तो कैलकुलेशन है, लेकिन अंग्रेजों ने जो घोटाले करके लूट किया उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो यह जमाना था अंग्रेजों का। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी ने एक लेख लिखा था 1890 के साल में। 1890 में दादा भाई नेहरू जी ने एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने लिखा क्या था, उनके दिल का दर्द है वो लेख क्या है। उसमें वो लिख रहे हैं कि ये अंग्रेजों की सरकार इतना लूटती है हिंदुस्तान को, आम आदमी को इतना लूटती है, इतना कष्ट होता है, और ये सारा लूट का पैसा यहां से लंदन चला जाता है, काश ये देश आजाद हो जाए। उस लेख में वो लिख रहे हैं कि काश ये देश आजाद हो जाए तो कम से कम ये लूट तो बंद हो जाएगी इस देश की। ये 1890 के साल में दादा भाई नेहरू जी ने लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1947 में ये बात सच सिद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। क्या हुआ, आजादी के पहले आपकी जितनी लूट हुई है, आजादी मिलने के 50 साल के बाद आप उससे 1000 गुना ज्यादा लूटे हैं। जानते हैं क्या हुआ है, अंग्रेज यहां से कितना पैसा लेकर जाते थे उसका हिसाब अगर आपको लगाना हो तो 1760 से 1947 तक हर साल 70 करोड़ रुपया जाता था यहां से, 1760 से 1947 तक। और 1760 से 1947 तक हर साल में 70 करोड़ जाता था, तो आप हिसाब लगा लीजिए, इतने साल गुणा 70 करो तो इतना रुपया गया हिंदुस्तान से। आजादी मिलने के 50 साल के बाद जानते हैं आपकी कितनी लूट हुई है हिंदुस्तान में, आजादी मिलने के 50 साल के बाद 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर आपके देश में घोटालेबाज नेताओं ने यहां से विदेश पहुंचा दिया।
हमारे देश के जो बड़े बड़े घोटालेबाज नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जानते हैं कितना रुपया उनका जमा है विदेशी बैंकों में? 140 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन होता है 1 अबज, और 1 अबज में होते हैं 100 करोड़, तो 14,000 करोड़ डॉलर। और 14,000 करोड़ डॉलर में रुपया बनाने की कोशिश करिए तो एक डॉलर में आज 40-41 रुपया है, कुल बैठता है 5.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने पिछले आजादी के 50 साल में आपके देश से 5.5 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले गए आपके ही नेता, जिनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले घुसते भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करता उसके घर में कभी इनकम टैक्स वाले नहीं घुसते। और मैं चैलेंज करता हूं अगर यहां कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो कि घुस के दिखा दे किसी नेता के घर में। मैंने साधारण व्यापारियों के घर में घुस जाएंगे, छाती पर खड़े हो जाएंगे, खून चूसेंगे आपका। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, उनके घर में आज तक कभी रेड नहीं पड़ी है। मैं पिछले 50 साल से केस देख रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी किसी नेता के घर में रेड डाली क्या? पर मैं आपको घोषित रूप से कह सकता हूं, एक नेता थे हमारे देश में, उनका नाम था जगजीवन राम। वो अक्सर कहा करते थे, पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हर साल, और कभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई जो उनके घर पर जाकर रेड कर सके। आपके घर में रोज खड़े हो जाएंगे लेकिन नेताओं के घर में कभी रेड नहीं होती। क्यों? अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो चोर हैं, नेता इनकम टैक्स की चोरी करें तो वो चोर नहीं है। कहते हैं डेमोक्रेसी में कानून सबके लिए एक सा होता, तो नेताओं को भी जेल होनी चाहिए जिन्होंने 140 अरब डॉलर यहां से ले गए हैं विदेश में। लेकिन नहीं होता। आप 50 रुपए की चोरी करिए, 100 रुपए की चोरी करिए, 200 रुपए की चोरी करिए, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। और जो करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं वो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह से। हो सकता है आपको जमानत नहीं मिले लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले नेता हैं उनको जमानत भी मिलती है इस देश में। कौन से देश में आप रह रहे हैं और कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं? और जानते हैं ये 140 अरब डॉलर कितना? ये 140 अरब डॉलर रुपया इतना है जितने रुपए में हमारे देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता। हमारे देश का कुल विदेशी कर्ज है 4.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के नेताओं ने लूटकर यहां से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, इसको अगर वापस हिंदुस्तान में ले आया जाए तो हमारा कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। और आप कहेंगे कि ना सिर्फ कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा आपके पास विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी। तो आप पूछेंगे कि राजीव भाई ये होने वाला कैसे है? इसका एक ही तरीका है कि जो घोटालेबाज नेता हैं, जो ले गए हैं यहां से करोड़ों रुपए हिंदुस्तान से बाहर विदेशी बैंकों में, इनको बिजली के तार से उल्टा लटका दीजिए और नीचे आग जलाइए और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकिए, तब देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर जेब में से निकल के सड़कों पे गिर पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं। दुर्भाग्य से आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के गले में मालाएं, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए तालियां, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी की जय जयकार, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए वोट मांगने आप जाते हैं। और मौसम आ रहा है आपके घर पे आएंगे ये सब वोट मांगने। तो इनसे एक ही सवाल पूछिए कि हिंदुस्तान से जो तुमने लूटा या तुम्हारे साथियों ने लूटा 140 अबज डॉलर, वो पैसा हिंदुस्तान में लाओगे कि नहीं? हम वोट देंगे या ना देंगे इस पर तय करेंगे कि तुम बोलो जो लूट हमारी हुई है यहां से चला गया है पैसा विदेश में, ये वापस भारत में आएगा कि नहीं? और तुम अगर नहीं लाने की बात करते हो तो भाग जाओ यहां से। किस बात का वोट दें तुमको, किस लिए वोट दें?
डेढ़ साल पहले तुमको हमने वोट दिया था, 1,000 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया था, तुम इतने नालायक और निकम्मे निकले कि डेढ़ साल बाद फिर हमारे घर आ गए वोट मांगने के लिए। हमने तो तुमको 5 साल के लिए भेजा था, और अगर हमने तुमको 5 साल के लिए भेजा था और तुम इतने निकम्मे और नालायक निकले कि 1.5 साल भी नहीं बैठ पाए वहां पर, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अगर तुम 1.5 साल भी वहां बैठ नहीं सकते तो कहीं जाओ और समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लो, क्योंकि ये बार बार 1,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आपको मालूम है ये जो इलेक्शन का खर्च होता है वो आपके दिए गए टैक्स के पैसे में से है, और आपके दिए गए टैक्स के पैसे की खून पसीने की कमाई की कीमत क्या है उनके पास कि हर 1.5-2 साल में इलेक्शन कराओ, 1,000 करोड़ रुपए बर्बाद करो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर 1 साल के बाद ये नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो इनको तो खून लग गया है आपके खून पसीने की कमाई के पैसे का। और आप जान लीजिए इस साल आपके ऊपर टैक्स क्यों लगाया है सरकार ने, अतिरिक्त टैक्स क्यों लगाया है, क्योंकि हिंदुस्तान के नेताओं के मुंह में जो खून लगा है अब हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी के मुंह में भी खून लग गया है आपको चूसने का। जानते हैं क्या हुआ है, 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई और भारत सरकार ने लागू कर दिया। अब क्या होगा, एक एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए, एक एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 60,000 रुपए। तो अब एक सेक्रेटरी को 50,000 और 60,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारी और नीचे के कर्मचारियों को अब 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको मालूम है हर साल 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बर्बाद होगा। ये 20,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो उसी के लिए आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया और आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं, माने आपके खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान के अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दी जाएंगी। क्यों देंगे इतनी तनख्वाह, तो कहते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी गारंटी दे दो लिख के, कि जिस सेक्रेटरी को आज 10-15 हजार रुपया मिलता है क्या गारंटी है कि 50,000 मिलने के बाद वो काम ज्यादा करेगा, क्योंकि हम तो इस देश में यह देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा मिलेगा काम उतना ही कम होगा। मुझे याद है मेरे विद्यार्थी जीवन में, मैं जब पढ़ा करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो एक बार प्रोफेसर्स ने स्ट्राइक की। किस बात की स्ट्राइक की, स्ट्राइक इस बात के लिए की कि हमको तनख्वाह कम मिलती है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मुझे बराबर याद है जो उस जमाने के प्रोफेसर्स थे वो क्या तर्क देते थे, कि जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ज्यादा दिल लगाकर हम पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने उनकी बात मान ली, तनख्वाहें बढ़ा दी गई, 2-2, 3-3 गुनी बढ़ाई गई, और आज मैं आपको बताऊं कि उसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हफ्ते में मुश्किल से कोई प्रोफेसर 1-2 दिन आ गया तो आ गया, बाकी तो शक्ल दिखाई नहीं देती। और आ भी गया कभी यूनिवर्सिटी में तो कहां बैठा है, कैंटीन में क्या कर रहा, चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा, या उल्टे सीधे काम में लगा हुआ। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्मचारियों की तनख्वाहें कई बार बढ़ाई गई हैं, काम बिल्कुल नहीं बढ़ा है, वर्किंग एफिशिएंसी और कम होती चली गई है। तो वर्किंग एफिशिएंसी के नाम पर अब 50,000 की तनख्वाह मिलेगी, 60,000 की तनख्वाह मिलेगी, और वो तनख्वाह जाएगी कहां से, वो आपसे वसूले गए टैक्स के पैसे में से बर्बाद होगी। ये जो सरकारें हैं जो आपसे टैक्स वसूलती हैं, इन सरकारों को टैक्स देना बंद करिए, और यह मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में जो कुपात्र होता है उसको दान देना पाप माना जाता है। कुपात्र को दान दिया तो पाप लगता है, 1 पैसे का भी दान नहीं दिया जाता कुपात्र को, और जो सुपात्र होता है उसको बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जो हमारी सरकारें हैं ये कुपात्र हो चुकी हैं। कैसे कुपात्र हो चुकी हैं, आपसे टैक्स वसूलेंगे खून पसीने की कमाई का, वो खर्च कैसे होगा, इलेक्शन में बर्बाद होगा। हिंदुस्तान के अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ा दी 50-60 हजार रुपए महीने की कर दी, उसमें बर्बाद होगा, और उससे भी ज्यादा बर्बाद होगा किसमें, आपको मालूम है कभी कभी आप अखबार पढ़ते रहते होंगे तो कैसे बर्बाद किया जाता है पैसा इस देश में सरकारों के द्वारा। पिछले साल मैंने खबर पढ़ी अखबार में, क्या खबर पढ़ी,
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज को विदेश भेजा गया। क्या करने के लिए? वो 30 एमपीज गए विदेश यात्रा करने के लिए, यूरोप में घूमे, अमेरिका में घूमे। क्या करने गए थे? हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलाई जाए इसके लिए विदेश यात्रा करने गए। हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए इसके लिए 30 एमपीज को भेजा गया विदेश यात्रा पर। करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए आपके खून पसीने की कमाई के। एक डेढ़ महीने पहले मैं गोवा गया था। गोवा में मेरी कई जगह पर पब्लिक मीटिंग हुई थी। एक पब्लिक मीटिंग मेरी हुई पणजी में, वहां की राजधानी है। तो उस पब्लिक मीटिंग में तीन धारा सभ्य आए थे, एमएलए आए थे। वो भाषण सुनने के बाद कहने लगे, राजीव भाई आपसे एक बात कहनी। तो मैंने कहा कहिए। कि नहीं नहीं अकेले में कहनी। मैंने कहा चलिए अकेले में चलते। तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलए को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सोल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते, ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सोल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हां हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर, सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम। तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या ना होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाए। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन। हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क। कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश, और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं, वहां इलाज करा के लौटते हैं, तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का, करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने उन्होंने किया। क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया, तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है, उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या? हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। अगर आप पैसा खर्च करें और उसमें से कोई उत्पादन हो, उस उत्पादन में से मुनाफा आए और उस मुनाफे से देश का भला हो, तो समझ में आता है कि आप करिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपया तो ऐसा बर्बाद होता है हर साल जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और आपको मालूम है टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है इस देश का? भारत सरकार का एक साल का टोटल टैक्स कलेक्शन है 1.25 लाख करोड़ का। तो आधा टैक्स तो बर्बाद हो जाता है बिना किसी उसके, और आधा कहां जाता है यह भी आप पूछ लीजिए मुझसे, कि जो टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का, उसका आधा पैसा तो ऐसे डूबता है कि जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और बचा हुआ आधा कहां डूबता है? बचा हुआ आधा डूब जाता है विदेशी जो कर रखा है उसका ब्याज चुकाने में।
हर साल भारत सरकार कर्जे का ब्याज चुकाती है 70,000 करोड़ रुपया, तो 70,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में डूबता है और 65,000 करोड़ रुपया ऐसा डूबता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता, माने 1,15,000 करोड़ रुपए, और इतना ही लगभग टैक्स का कलेक्शन है। तो जितना टैक्स कलेक्शन है वो डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को, तो ऐसे टैक्स को देने की जरूरत क्या है जो बर्बाद हो जाए। और मैं आपको तभी एक दूसरी बात बताता हूं, बहुत लोग मुझको कहते हैं जब अधिकारी मिलते हैं कि राजीव भाई इस देश में टैक्स की चोरी होती है, मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि तुम कुपात्र हो, टैक्स लेने के लायक नहीं। तो एक अधिकारी मुझे मिला था एक बार, इनकम टैक्स का कमिश्नर, कहने लगा राजीव भाई आप क्या उल्टी बात कहते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो कहने लगा आप जो बात कह रहे हैं उसको किसी उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं। मैंने कहा मैं दे सकता हूं उदाहरण। मैंने हिंदुस्तान के ऐसे कई लोगों को देखा है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका एक दिन का दान लाखों रुपए का है, एक दिन में लाखों रुपए दान करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं। मेरे व्यक्तिगत संबंध, हमारे कई दोस्तों के माध्यम से उनके संबंध, जो प्रतिदिन लाखों रुपए दान करते हैं, कुआं बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, गांव की पाठशाला चलाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए देते रहते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो सरकार को टैक्स नहीं देते। क्यों? जो व्यापारी प्रतिदिन लाखों रुपए दान करता है वही व्यापारी सरकार को टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको सरकार पर भरोसा नहीं है कि उसके दिए गए टैक्स को सरकार सही काम में लाएगी, इसलिए वो लाखों का दान करता है। जहां दान कर रहा है वहां उसको भरोसा है कि उसके दिए गए पैसे से तालाब ही बनेगा, कुआं ही बनेगा, गांव का स्कूल ही चलेगा, लेकिन वही पैसा वो सरकार को नहीं देता। और इसी को आप कहते हैं टैक्स की चोरी। मैं कहता हूं वो भारतीय धर्म का पालन कर रहा, वो टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। भारतीय धर्म क्या है? कुपात्र को दिया गया दान पाप लगाता और सुपात्र को बिना मांगे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में तो यह ठीक ही है। तो कहने लगा वो इनकम टैक्स का ऑफिसर के, फिर आपको क्या लगता है? मैंने कहा देखिए कमिश्नर साहब, एक बात है बिल्कुल सीधी सपाट, इसको आप गले के नीचे उतार लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा तब तक इस देश में काला धन चलता रहेगा। ये आप हैं जिन्होंने धन को काला और सफेद बनाया। धन धन होता है वो काला और सफेद नहीं होता, मनी मनी होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आपने एक बेवकूफी का कानून बना के कुछ धन को सफेद कह दिया, बाकी को काला कह दिया। धन धन होता है, मनी मनी होती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। तो जिस कानून के तहत आपने किसी धन को काला धन कहा है, जिस दिन ये कानून वापस ले लेंगे उस दिन सारा धन सफेद ही सफेद हो जाएगा। तो वो इनकम टैक्स का ऑफिसर कहने लगा तब सरकार कैसे चलेगी? मैंने कहा ज्यादा अच्छी चलेगी। मैंने उस ऑफिसर से पूछा कि आप पूरी ताकत लगा के कितना टैक्स वसूलते हैं एक साल? तो वह लगे कि हमारे 32,000 ऑफिसर हैं पूरे देश में, रात दिन डंडा लगाते रहते हैं, तब कितना टैक्स वसूल पाते हैं? 1,25,000 करोड़ का। तो मैंने कहा 1,25,000 करोड़ का आप टैक्स वसूलते हैं, आपको मालूम है ब्लैक मनी कितना है इस देश में? तो उसी ने कहा कि हर साल कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता। तो मैंने कहा 2.5 से 3 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है तो वो ब्लैक मनी वसूलने के लिए आप 1.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ वसूल पाते हैं, खर्चा कितना है आपका डिपार्टमेंट का? 1.25 लाख करोड़ रुपया वसूल करने के लिए आप खर्चा कितना करते? सरकार कितना खर्चा करती? तो कहने लगा खर्चा भी काफी ज्यादा है। मैंने कहा बता दीजिए कितना ज्यादा, कि वो सीक्रेट है वो नहीं बता सकता। मैंने कहा मुझे मालूम है जो तुम बताना नहीं चाहते। सच्चाई यह है कि सरकार जितना टैक्स वसूलने के लिए खर्च करती है वो बहुत ज्यादा। तो कहने लगे फिर आपका क्या मानना? मैंने कहा देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपया व्हाइट मनी में जनरेट होगा। 1.25 लाख करोड़ आप इकट्ठा करते हैं जिसको आप व्हाइट मनी कहते हैं, बाकी 2.5-3 लाख करोड़ रुपया आप ब्लैक मनी कह देते हैं। जब इनकम टैक्स का कानून ही नहीं रहेगा तो 4.5 लाख करोड़ का व्हाइट मनी ही हो जाएगा। और जिस आदमी के पास पैसा है घर में वो क्या तिजोरी में बंद रखेगा? कभी कल्पना करिए, कल्पना करिए कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया आपके घर में है तो बंद करके रखेंगे आप? अगर आपको मालूम है कि कहीं कोई डरने की बात नहीं है, कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है, कानून नहीं है, तो आप 1 करोड़ रुपया वापस लाएंगे बाजार में, कोई कारखाना खोलेंगे, कोई धंधा चलाएंगे, कोई ना कोई उत्पादन का काम करेंगे, तो वो 1 करोड़ रुपया घर में से निकल के मार्केट में आएगा, माने फ्लोटेशन हो जाएंगे,
माने मनी जो है फ्लोटिंग जब होता है तो इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन नहीं आता, तो ये रिसेशन दूर हो जाएगा। कहने लगे बात तो आपकी समझ में आती है। मैंने कहा फिर इसमें करने में क्या दिक्कत है, तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। मैंने कहा हल चलाओ गांव में जाके, तुमको मालूम नहीं है कि हल कैसे चलाया जाता है। तुम तागड़ भिन्ना करते हो लोगों के खून पसीने की कमाई के पैसे पर, और तुम गांव में जाकर हल चलाना शुरू कर दो, धरती माता इतना देती है कि तुम भूखे नहीं मरोगे। और मैं इस मान्यता का हूं जो आपको बता दूं कि जब तक हिंदुस्तान में यह टैक्सेशन का सिस्टम खत्म नहीं होगा अंग्रेजों का बनाया हुआ, तब तक इस देश में तरक्की नहीं होने वाली। हमको गंभीरता से यह बात सोचनी चाहिए और गंभीरता से यह बात उठानी चाहिए बिना डरे हुए कि जिस सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं उस सरकार ने कुपात्रता इतनी सिद्ध की है कि इसको एक पैसे का भी टैक्स देना पाप है। तो मैं तो पब्लिकली कह रहा हूं कि इस सरकार को टैक्स देना बंद करिए, क्योंकि कुपात्रों को पैसा नहीं दिया जाता। और जब आप टैक्स देना बंद कर देंगे तो यह पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और आप पूछेंगे कि राजीव भाई ऐसा कभी हुआ है? ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। आपको मैं एक नाम बताऊं, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो बारडोली सत्याग्रह किया था गुजरात में, वो क्या था? गांव के किसानों से रेवेन्यू देना बंद करवा दिया था उन्होंने अंग्रेजी सरकार का। और गांव के किसानों को उन्होंने वही अपील की थी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अंग्रेजी सरकार इतनी कुपात्र है कि इसको टैक्स देना बंद करो, और लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। हिल गई थी पूरी अंग्रेज सरकार उस बारडोली सत्याग्रह से। ऐसे ही सत्याग्रह आपको फिर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से जिनको आप अपनी सरकारें मानते हैं ये आपकी नहीं है, ये अंग्रेजियत की सरकारें हैं, ये अंग्रेजियत के कानून चलाने वाली सरकारें हैं। शरीर से दिखने में ये हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है। और चूंकि ये आत्मा अंग्रेजों वाली है इसलिए अंग्रेजियत की व्यवस्था को ये ढो रहे हैं। तभी मेरे मन में ये गुस्सा आता है कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाए हमको बर्बाद करने के लिए वो क्यों चल रहे हैं। ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, बिना इस व्यवस्था को बदले आपको न्याय नहीं मिलने वाला। ऐसे एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दूं कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था कितना अत्याचार करती है। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया था 1860 में, और वो 1861 में लागू हुआ। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने क्यों बनाया? ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए बनाया कि आपको शायद याद होगा 1857 में इस देश में क्रांति हुई थी। कैसे हुई थी क्रांति? मंगल पांडे नाम का एक नौजवान था, बैरकपुर की छावनी में नौकरी करता था, पुलिस में नौकरी करता था, अंग्रेजों की पुलिस में एक भारतीय नौजवान नौकरी करता था। एक दिन उस नौजवान को पता चला कि अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते हुए उसको जो बंदूक चलाने के लिए कारतूस दिए जाते हैं उनमें गाय की चर्बी लगी होती है। तो गाय की जो चर्बी लगी होती है उस गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता। तो उसको लगा कि ये गाय की चर्बी के कारतूस अगर मैं मुंह से खोलूं तो इससे अच्छा है कि मर जाऊं। और उसने बगावत की। क्या बगावत की? मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया, जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उसको गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूस देता था मुंह से खोलने के लिए। जैसे ही मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की गोली से अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मारा, वैसे ही पूरी आर्मी में बगावत हो गई। गांव गांव गली गली में नौजवानों के संगठन शुरू हो गए। पूरे देश में एक लहर पैदा हो गई क्रांति की। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। जब अंग्रेजी सरकार परेशान हुई तो अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंगें हुई, अंग्रेजी सरकार के पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। और बहस किस बात पर हुई कि अगर पुलिस ने बगावत की तो अंग्रेज हिंदुस्तान में एक दिन नहीं रह पाएंगे, आर्मी ने अगर बगावत कर दी तो अंग्रेज एक दिन भी नहीं रह पाएंगे इस देश में, तो कुछ करो इस बगावत को रोको। तो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने जो बगावत की थी उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह बनाया गया 1860 में, यह लागू हुआ 1861 में। इस कानून में अंग्रेजों ने किया क्या कि जिस मंगल पांडे ने बंदूक चलाई और बंदूक चलाकर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली मारी, तो इस कानून के तहत अंग्रेजों की सरकार ने फैसला किया कि हर हिंदुस्तानी नौजवान के हाथ में जो बंदूक दी गई है वो छीन ली जाए, नहीं तो पता नहीं वो दूसरे नौजवान वही बंदूक का इस्तेमाल करके अंग्रेजी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देंगे। तो सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे, उनके हाथों से बंदूकें छीन ली गईं। कानून कौन सा था? 1860 का। और बंदूकें छीन कर क्या किया गया? उनके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया गया। बेचारे आज भी मेरे पुलिस के भाई वही डंडा लिए हुए खट 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 घूमते रहे।
और ये हंसने की बात नहीं है, ये मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश की पुलिस के सिपाही के भाइयों के हाथ में ये डंडा क्यों है। ये डंडा अंग्रेजों के बनाए गए एक कानून के आधार पर है कि उनसे हाथ से बंदूकें छीनकर डंडा पकड़ा दिया गया और उसके बाद उसी इंडियन पुलिस एक्ट में एक नया कानून और जोड़ दिया, एक नई व्यवस्था और की। क्या व्यवस्था की? कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश और अधिकार दे दिया। उसके पहले यह नहीं था, 1860 के पहले यह नहीं था। 1860 में कानून बनाकर हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार दिया कि वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चला सकता है और सिर्फ लाठी ही नहीं चला सकता, फायरिंग भी कर सकता। और उस कानून को बनाया कैसे गया? 1861 के पुलिस एक्ट में उस बात को ऐसे लिखा गया है कि हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा लेकिन मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। तो ये जो राइट टू ऑफेंस होगा हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को और हर भारतीय व्यक्ति जो मर रहा है पिट रहा है उसको राइट टू डिफेंस नहीं होगा, इसी आधार पर हिंदुस्तान में दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना हुई जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 को एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर डायर, उसने गोलियां चलाई अंधाधुंध, 18 मिनट पुलिस फायरिंग हुई और 18 मिनट की पुलिस फायरिंग में 2000 क्रांतिकारी मारे गए सीधे गोलियों से। 2000 क्रांतिकारी तो सीधे गोलियों से मारे गए, फिर जो भगदड़ मची उसमें कई हजार लोग मर गए। बाद में क्या हुआ? जिस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर डायर ने यह गोली कांड किया था उसके ऊपर एक मुकदमा चला अदालत में। अदालत ने फैसला दिया, क्या फैसला दिया? कि चूंकि डायर को राइट टू ऑफेंस था और मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए डायर को कोई सजा नहीं दी जा सकती और डायर को छोड़ दिया गया। 2000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जिस व्यक्ति ने मारा पुलिस फायरिंग में, उसको अदालत से कोई सजा नहीं हुई क्योंकि कानून अंग्रेजों ने ऐसा बना के रखा था। जब सजा नहीं हुई तभी ऊधम सिंह जैसे नौजवान ने डायर को मारने का संकल्प लिया था। ऊधम सिंह पैदा हुआ था अंग्रेजी कानून की गलत बातों के कारण। ऊधम सिंह ने संकल्प क्यों लिया था? अगर देश को न्याय मिलता और डायर को फांसी हो जाती क्योंकि उसने 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया था, तो ऊधम सिंह जैसे नौजवान को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऊधम सिंह ने संकल्प यह लिया था कि यह अंग्रेजी काला कानून कभी भी हमको न्याय नहीं देगा, इसलिए डायर को मारना मेरा धर्म, इसलिए मारा था उसने। ऐसे ही एक दूसरी दुर्घटना और हुई थी। 1928 के साल में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ था, याद करिए, और एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था उसका नाम था सैंडर्स, उसने लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई कि लाला लाजपत राय मर गए उसी समय। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस किया था अदालत में, बहुत कम लोग जानते हैं, वो केस फाइल किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह राजगुरु और जो सुखदेव की जो जोड़ी थी, इन लोगों ने केस किया था सैंडर्स के खिलाफ क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया था सैंडर्स ने। अदालत में उस केस का भी फैसला ऐसे ही हुआ कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था। और तब उन तीनों क्रांतिकारियों ने कल्पना की थी कि यह काला कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करता है, फायरिंग करवाता है, इस काले कानून से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान की आजादी के बारे में हम सपना नहीं देख सकते। दुर्भाग्य से उन क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था उस काले कानून से मुक्ति पाने का, वो काला कानून आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद। आप जानते हैं आज जो पुलिस का कानून चल रहा है वही है इंडियन पुलिस एक्ट, और आज भी पुलिस ऑफिसर को लाठी चार्ज करने के लिए, फायरिंग करने के लिए राइट टू ऑफेंस मिला, मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं। और 50 साल से मैं कोई ऐसा एक केस तलाश रहा हूं जो हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में गया हो कि किसी पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की, 20 लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए, उस पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा नहीं हुई कभी, आज तक नहीं हुई। क्यों? कानून ऐसा है, अगर आप गोली चलाएं और आपकी गोली से कोई मारा जाए तो 302 और 307 में आपको बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है फांसी हो जाए। लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर गोली चलाए और उसकी गोलियों से सैकड़ों लोग मारे जाएं, हजारों लोग मारे जाएं, उसको कभी 302 और 307 नहीं लगता,
कभी फांसी की सजा नहीं हुई। 50 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम मुकदमे मैंने तलाशे हैं, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी पुलिस ऑफिसर को फांसी हुई हो इस आधार पर कि उसने हिंदुस्तानियों को मार दिया। कभी नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1861 का, उस कानून के आधार पर अपराधी आप हैं। जो पीटने वाला है वो अपराधी नहीं है, पिटने वाला अपराधी है, और पिटने वाले को बचने का अधिकार नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है। आप बताइए ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जिस देश में मुझे आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिला वो कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये कानून कौन सा है? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, आज भी चलता है। क्यों चलता है? ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस चलती थी जिस तरह से, आज भी पुलिस वैसे ही क्यों चलती है? अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था हमारे देश में जिसका नाम है धारा 144। ये क्या है धारा 144? ये धारा 144 वही कानून है जो अंग्रेज इस देश में लागू करते थे। क्यों करते थे? अंग्रेजों की सरकार को हमेशा डर लगता था कि चार क्रांतिकारी कहीं इकट्ठे हो गए, आपस में बातचीत करेंगे, अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इसलिए हमेशा डर लगता था। तो धारा 144 का कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया, उस कानून के तहत क्या है कि चार आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, भले ही वो धार्मिक जुलूस क्यों ना हो वो नहीं निकाल सकते। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है, आज क्यों चल रहा? एक तरफ कहते हैं कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, अगर मैं जुलूस निकालना चाहूं, मोर्चा निकालना चाहूं, धारा 144 है तो नहीं निकाल सकता जब तक पुलिस की परमिशन नहीं मिले। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की, क्यों चल रही है आज तक? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के। 1860 में ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया था, कलेक्टर नाम की एक पोस्ट बनाई थी। अंग्रेजों को कलेक्टर की जरूरत क्यों थी? अंग्रेजों को कलेक्टर की इसलिए जरूरत थी कि वो गांव गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, और कलेक्टर का माने होता था वन हु कैन कलेक्ट द रेवेन्यू, उसका नाम होता था कलेक्टर। यह कानून बनाया 1860 में, वही कानून 1998 में भी चल रहा, बस नाम बदल गया। उस कानून का पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आज वो कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और मेरे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी के पहले कई बार अपने भाषणों में ये कहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, ये स्टील फ्रेम व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान का विकास नहीं होने देगी, हमारी सरकार जब बनेगी, माने आजादी जब मिल जाएगी, हम इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। दुर्भाग्य से वो नेता मंत्री बने, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज तक इस देश में चलती आई। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है। ऐसी आपको एक और उदाहरण दूं, 1894 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनी जाती थी, और अंग्रेजी सरकार क्या करती थी, नोटिस करती थी, गांव के किसान से पूछा भी नहीं जाता था कि उसकी जमीन छीनी जा रही है, बस नोटिस होता था, उस नोटिस के आधार पर किसान की जमीनें छीन ली जाती थी, और वो किसान कहता था कि मैं पैसा नहीं लूंगा, जबरदस्ती उसको पैसा दिया जाता था, नहीं लेता था तो मार पीट कर उसके खाते में पैसा जमा कराया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। 1894 का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1998 में भी चल रहा है। आज भी क्या होता है? गांव के किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं, जबरदस्ती छीनी जाती है, वो किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं तो जबरदस्ती उनके बैंक के खातों में पैसा जमा करा देते, और बाद में वो जमीनें सरकार छीन कर करती क्या है, विदेशी कंपनियों को बेचती। पिछले 6-7 साल में महाराष्ट्र के किसानों से हजारों एकड़ जमीन छीनी गई है विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पिछले 6-7 साल में गुजरात के किसानों से हजारों एकड़ जमीनें छीनी गई हैं विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पूरे देश में वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। और उस कानून के रास्ते में क्या होता था, आजादी के बाद एक कानून बना दिया गया था जिससे विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने में मुश्किल होती थी, लैंड सीलिंग एक्ट। अब भारत सरकार ने वो भी वापस ले लिया, माने अब विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने की खुली छूट है इस देश में। गांव के गांव खरीद ले, उनको खुली छूट मिली हुई है।
और ऐसी अच्छी अच्छी जमीनें छीनी जाती हैं किसानों से जिन पर अच्छी खेती होती है, और ये सब जमीनें छीनने के बाद क्या कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये जमीनें छीन रहे हैं। माने इन सरकारों को क्या मालूम कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है। नियम वही है जो अंग्रेजों के जमाने का था। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई कहां है। ये सब कानून आपके ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं, आपको तो मालूम नहीं है कि आप इस देश में राशन कार्ड लेकर घूमते हैं, वो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आप सबके घरों में जो राशन कार्ड है, जिस राशन कार्ड के आधार पर आप घासलेट लेकर आते हैं, कैरोसिन ऑयल लेकर आते हैं, वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ, 1939 का बनाया हुआ। और गांधी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजी सरकार ने इतना अपमानजनक कानून बनाया है कि हिंदुस्तानी लोगों को लाइन में लगकर घासलेट लेना पड़ता है, गेहूं लेना पड़ता है, चावल लेना पड़ता है। गांधी जी ने एक बार यह भी कह दिया था कि आजादी मिलेगी तो यह राशन कार्ड का कानून सबसे पहले खत्म करना होगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो राशन कार्ड का कानून नहीं गया। आज भी इस देश में मैं देखता हूं मेरी आंखों से कि जिनको हम इस देश का मालिक कहते हैं, नेता लोग आपको कहते हैं कि आप वोटर हैं माने आप मालिक हैं, तो इस देश का मालिक 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर 2.5 घंटे के अंदर 5 लीटर घासलेट लेकर आता है। यह आजादी का लक्षण है। अंग्रेजों के जमाने में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था तो थोड़ी सी चीनी मिलती थी, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी लंबी लंबी लाइन में लगकर हम थोड़ा सा घासलेट लेकर आते हैं, इसका माने क्या? आजादी कहीं से भी आई नहीं है। दुर्भाग्य से गुलामी की वही व्यवस्था चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। सब कुछ वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। इसलिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका जिक्र मैंने किया आपसे, उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आजादी मिलने के बाद भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए वो सारे कानून चलते रहेंगे। क्यों चलेंगे? और ऐसा संविधान हमने स्वीकार क्यों किया? फिर दुर्भाग्य से जिसको आप अपना संविधान कहते हैं वो अपना नहीं है। 1935 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। और आप लोगों को मैं बहुत एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल? हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। अपना नहीं है और यह भारतीय संविधान नहीं है। इसका सबूत अगर आपको लेना हो तो संविधान सभा की बहस पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग को खोलकर, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के संविधान सभा की बहस पढ़िए। भारत सरकार ने उसको छापा है। और उस बहस को पढ़ते हुए एक दिन मुझे पता चला कि संविधान सभा में 15 और 16 दिसंबर की कोई तारीख है 1946 के साल में, पंडित नेहरू भाषण कर रहे हैं। पंडित नेहरू क्या भाषण कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संविधान सभा में हमको जो करना है उसके बारे में पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अंग्रेजों की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भेजा है, इसी ड्राफ्ट को हमको संविधान मानना है, ये हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू का भाषण है संविधान सभा। इसका माने ये संविधान तो पहले से ही तय होकर आया है। और यह संविधान आया कहां से? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसको भारतीय संविधान में शामिल करना पड़ा, और अंग्रेजों की सरकार ने जो तय कर दिया था उसी को भारतीय संविधान मानना पड़ा हमको। और यह संविधान भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इस संविधान की प्रस्तावना में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर यह संविधान भारतीय होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। अगर वो हमारा होता संविधान तो भारत पहले होता, इंडिया बाद में होता। वो संविधान हमारा नहीं है इसलिए इंडिया पहले है, भारत बाद में है। और जब संविधान ही आपका नहीं है तो संविधान की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? जब कानून आपके नहीं है तो कानून की कसम खाकर राज्य चलाने वाले लोग आपके कैसे हो सकते? कसम किस बात की खाई जाती है? कसम खाई जाती है संविधान की और कानून की। तो वो कहते हैं कि हम रूल ऑफ द लॉ फॉलो करेंगे, तो रूल और लॉ तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो अगर कर रही हैं आपकी सरकारें तो ये आपकी हैं कहां? ये तो गुलामी का तंत्र है जो चल रहा है। और ये गुलामी कितनी भयंकर है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं।
बिना हंसे इस उदाहरण को समझिए गंभीरता से। हमारे देश की पार्लियामेंट कितनी गुलाम है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप कभी सोचिए अपने मन में और पूछिए ये प्रश्न अपने आप से और अपने धारा सभ्यों से या खासदार से, आमदार से। प्रश्न ये है कि हमारे देश की संसद में बजट जो होता है वो 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्यों आप पूछेंगे? क्यों? क्योंकि संसद शुरू होती है सवेरे 11 बजे, तो बजट सवेरे 11 बजे क्यों नहीं आता, शाम को 5 बजे क्यों आता? बजट तो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है किसी भी देश के लिए, और वो भी 28 फरवरी को ही क्यों होता है? तो एक दिन हम लोगों ने जब पता लगाने की कोशिश की तो हमको जानकारी मिली कि 28 फरवरी को इंग्लैंड में बजट पेश किया जाता। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में 1 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 1 अप्रैल से लागू होता है, तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी की तारीख को। तो इंग्लैंड का नया फाइनेंशियल ईयर, इंग्लैंड का नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 मार्च से, तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी को। तो हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान में तो नया वित्त साल शुरू होता है दीपावली के दिन से, तो हमारा बजट आना चाहिए दीपावली से 1 दिन पहले, लेकिन वो आता है 28 फरवरी की। क्यों? अंग्रेजों ने ये परंपरा चलाई थी हमारे देश में, तो अंग्रेजों की सरकारें जब चलती थी तो वो हिंदुस्तान में भी फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से ही शुरू करवाया था, तो वो फाइनेंशियल ईयर आज 50 साल के बाद भी 1 मार्च से क्यों चल रहा और बजट 28 फरवरी को ही क्यों आता? मैंने 50 साल हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले नेताओं के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि वो अंग्रेजों की दी गई तारीख नहीं बदल पाए आज तक। वही 28 फरवरी को बजट पेश होता और शाम को 5 बजे क्यों होता, उसकी एक दूसरी कहानी कि जब हमारे देश में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन में सवेरे के 10:30 बजते हैं। तो यहां क्या होता था कि यहां इंग्लैंड के जब सांसद बैठते थे, इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, तो पार्लियामेंट में शाम को बजट पेश करना पड़ता था क्योंकि लंदन में सवेरे का समय होता था, तो वहां के लोग उसको सुन सकते थे। तो अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो चले गए, तो शाम को 5 बजे बजट क्यों पेश हो रहा है? सवेरे होना चाहिए 11 बजे। लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, क्यों चल रहा है यह प्रश्न आपको पूछना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट कितनी गुलाम है, इसका यह एक उदाहरण है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछे कि क्या करेंगे वहां जाकर, पूछिए उनसे कि क्या करेंगे वहां जाकर, तो वो आपको दो ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा? अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO के ऑफिस में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है, और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी नहीं जाता और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये जो आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में? हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार, और पिछले 7 वर्षों से हमारे रुपए का दाम 120% गिर गया है। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था, आज $1 में 41 रुपया हो गया है, 120% डिवेल्युएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी है, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती हैं और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, नीतियां तो कहीं और से बनती हैं। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं, तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछे किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है, माने कानून बनाता कौन है?
कानून बनाते हैं आईसीएस ऑफिसर्स सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं, वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से खटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके तो क्यों जा रहे हैं वहां पर, क्या मतलब है आपके वहां जाने का। और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या, ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। आईसीएस ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में, और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि आईसीएस ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो बनाया करते थे, आज भी वही होता। पर दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है, हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री, तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है बहुत गंभीर है कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है, वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं। अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है, एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी में, उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारें कि देश डूबने को माने। और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको, तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं। सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके कि आप आंख बंद करके वोट डालिए। किसको वोट डालें, सब जगह तो चोरी चोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम सबसे कम चोर को चुने, और जहां मजबूरी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो तो कोई दूसरा तंत्र है जिसको भीड़ तंत्र कहना चाहिए। और मजबूरी आपकी क्या है, आपको राइट टू इलेक्ट तो मिला है लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला। माने जिस आदमी को आपने चुनकर भेजा है कल को मान लीजिए वो करप्ट हो गया, उसको वापस बुलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जिस व्यवस्था में किसी करप्ट आदमी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है वो व्यवस्था तो दुनिया की सबसे रद्दी व्यवस्था है। और आज यही होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े घोटाले करते हैं लेकिन उनको आप वापस नहीं बुला सकते क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। और यह अधिकार आपको कब मिलता है, जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर आपने रखा, उस नौकर ने घोटाला किया, घर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, लाखों रुपए लेकर भाग गया, तो उस नौकर को आप 5 साल तक इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है आपको। आप तुरंत काम पकड़कर उसको घर के बाहर कर देंगे। तो यह व्यवस्था संसद में क्यों नहीं है कि जब बड़े बड़े घोटालेबाज मंत्री वहां बैठे रहते हैं इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 साल तक हम उनका घोटाला बर्दाश्त करते रहे। मैंने उनको खुली छूट है 5 साल तक घोटाले करने की, तो यह व्यवस्था कैसी है फिर, इसको डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं। और यह डेमोक्रेसी नहीं है, दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं यह डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी में यह कहा जाता है कि जिसके पास 51% वोट है तो
तो वो माना जाएगा कि इसकी बात चालू रहेगी, सुनी जाएगी, कही जाएगी, मानी जाएगी। और जिसके पास 49% वोट है वो माइनॉरिटी में है। तो 51% वाला मेजोरिटी और 49% वाला माइनॉरिटी, ये सिद्धांत है डेमोक्रेसी का। तो जरा देखिए कि ये सिद्धांत लागू होता है कभी। मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता, कोई एक पार्टी का नाम बताइए, सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो। और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। मानो हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर है, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है, तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है, 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे है? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से यह डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक MP है पूरे देश में वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 MPs है वो विपक्ष में बैठे। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही MP है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 MPs वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है, ये कौन सी डेमोक्रेसी? और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई ये अंग्रेजियत की व्यवस्था है ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है? आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसे चलती है? पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो, एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है, भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है। और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता, खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है।
और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं, आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है, अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए। तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में। किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से ये जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। मैं उदाहरण देता हूं और आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको 51% वोट मिलता, कोई एक पार्टी का नाम बताइए। सिंगल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 50 साल में 51% वोट मिला हो, और ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। माने हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर है, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है, और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है, तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20%, 24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है, 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे। 24% वोट मिलने का माने क्या, 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे। आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से यह डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी है पूरे देश में वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 एमपीज हैं वो विपक्ष में बैठे। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही एमपी है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 एमपीज वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई ये अंग्रेजियत की व्यवस्था है ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है, आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसे चलती है, पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो, एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता।
तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है। भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है। चूंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है, और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता। खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है, और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं। आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेगांव में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है, अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए। तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में। किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत, क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से ये जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। क्यों? इसलिए कि जैसा राजनीतिक तंत्र होता है, कलयुग में एक किस्सा कहते हैं, कलयुग में क्या कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राज्य तंत्र होगा वैसी प्रजा बनेगी। तो ये जो कलयुग का दौर है इसमें आपको राज्य तंत्र बदलना ही पड़ेगा, प्रजा के हिसाब से राज्य तंत्र बनाना पड़ेगा, समाज के हिसाब से राज्य तंत्र बनाना पड़ेगा। और इसको मैं कहूं तो भारतीय संदर्भ में राज्य तंत्र आपको गढ़ना पड़ेगा। ये जो राज्य तंत्र चल रहा है ये अंग्रेजियत वाला, इसको बदलना पड़ेगा। और ऐसे ही एक तीसरी बात और कहता हूं मैं कि ये जो तंत्र बदलना है इसमें आपको एक तंत्र और भी बदलना पड़ेगा। हमारे देश में दुर्भाग्य से इस समय जितनी अदालत चलती है, जो न्याय का तंत्र है, वो न्याय नहीं देता, हमेशा अन्याय देता। और ये जो न्याय तंत्र, आप जिसको उम्मीद लगाकर जाते हैं अदालतों में कि हमको न्याय मिलेगा, ये अदालतें बनाई गई हैं अन्याय करने के लिए। कैसे आप पूछेंगे, ये कैसे? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले, टीवी मैकॉले। टीवी मैकॉले को हिंदुस्तान में भेजा गया था दो काम करने के लिए। पहला काम उसको भेजा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करो, और दूसरा काम मैकॉले को सौंपा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के साथ साथ हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद करो। तो मैकॉले आया था हिंदुस्तान की न्याय पद्धति और शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए। हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए मैकॉले ने क्या किया था, एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून को लागू करके उसने हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति का नाश कर दिया और एक अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में पैदा की। उसी मैकॉले ने एक दूसरा कानून बनाया था, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये जो इंडियन पीनल कोड नाम का कानून है, ये मैकॉले का बनाया हुआ 1860 का। और ये मैकॉले ने क्यों बनाया था? मैकॉले अक्सर एक बात कहा करता था अपने साथियों से कि जिस देश की न्याय व्यवस्था खत्म हो जाती है उस देश का समाज टूट जाता है। तो हिंदुस्तान की अगर न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसमें अंग्रेजी न्याय व्यवस्था चलेगी तो भारतीय समाज टूटेगा। तो वो कहता था कि ये आईपीसी का कानून जो है ये भारत में न्याय देने के लिए नहीं है, ये अन्याय के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत की न्याय की पद्धति तोड़नी थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को अपनी पद्धति इस देश में स्थापित करनी थी। उसके लिए उन्होंने आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसी के लिए बनाया सीपीसी। आप जान लीजिए भारतीय न्याय पद्धति में कभी भी हजारों साल से फांसी देने की सजा नहीं रही, ये अंग्रेज थे जिन्होंने फांसी देने की सजा शुरू की इस देश में। हमारे देश में किसी भी राजा के जमाने में फांसी नहीं दी जाती थी। तो आप पूछेंगे कैसे होता था? मृत्यु दंड अगर दिया जाता था तो या तो तलवार से सिर काटा जाता था या सरेआम उसको गोली से उड़ाया जाता था, फांसी नहीं दी जाती थी। कभी भी भारतीय समाज में फांसी नहीं दी गई। ये फांसी देने की व्यवस्था इंग्लैंड से आई है हमारे देश में, क्योंकि सीआरपीसी का कानून अंग्रेजों ने बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसी के साथ साथ सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। और ये तीनों कानून जब लागू हो गए तो मैकॉले ने एक दिन कहा था, ये बात अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है, कि जब भारत में आईपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीआरपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीपीसी चलना शुरू हो जाएगा, तो भारतीय लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा।
और ये वो खुद कह रहा है कि यहां के लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और जो बात उसने कही है 150 साल पहले, वो बात आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि हम जाते हैं अदालतों में। अदालतों में जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? हम लोग भी जाते हैं अदालतों में क्योंकि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हम लोग लड़ते रहते हैं, तो अदालतों में हर बार हमसे एक ही बात कही जाती है कि अदालत में कानून के आधार पर फैसला होता है। कोई अदालत यह नहीं कहती कि यहां न्याय मिलता है। हर अदालत में एक ही बात कही जाती है कि कानून के आधार पर फैसला होता है। मान लीजिए जिस कानून के आधार पर फैसला हो रहा है वो कानून गलत है तो फैसला भी गलत होगा, तो न्याय नहीं मिलेगा आपको। मैं उदाहरण दूं आपको, हमारे देश में एक कानून है, क्या है? किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर मारा जाए तो कानून के अनुसार वो है अबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद उसको मारा जाए तो कानून के आधार पर वो है हत्या। अब आप देखिए कानून क्या है, बच्चे को जन्म लेने से पहले मार दें तो है अबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद मारे तो है हत्या। जन्म लेने के पहले जिसको मार रहे हैं वो भी बच्चा ही है, वो एक अलग बात है कि गर्भ के अंदर है, और सारी दुनिया जानती है कि गर्भ में एक महीने के बाद बच्चे में उतनी ही जीव और जान होती है जितनी जिंदा बच्चे में होती है। तो उस बच्चे को जब मारा जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसे ही भागता है जैसे बाहर किसी को मारने के लिए आप भागते देखते हैं। तो दुर्भाग्य से कानून क्या है कि बच्चों को जन्म लेने के पहले मारने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर्स, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं उनको कहते हैं हत्यारा। हत्यारे तो दोनों हैं लेकिन कानून ऐसा है जिसके आधार पर जन्म लेने वाले बच्चे को पहले मार देने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर और वो होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं वो होते हैं हत्यारे। आप कभी बंबई जाइए, मैं अक्सर बंबई जाता हूं तो बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर चिपका रहता है, क्या है? बंबई में आप जाइए तो आप देखेंगे वहां सुपारी लेकर हत्या करते हैं। 10,000 की सुपारी ले ली, 15,000 की सुपारी ले ली, 20,000 की सुपारी ले ली, तो सुपारी लेने की बात इस बात पर तय की जाती है कि मरने वाले आदमी की हैसियत क्या है। तो मरने वाले आदमी की हैसियत के आधार पर 10-20-50,000 की सुपारी लेकर जो हत्या करने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं हत्यारे, और 90 रुपए की सुपारी लेकर जो अबॉर्शन कराते हैं बंबई में वो कहलाते हैं डॉक्टर्स। आप जाइए बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर लगा रहता है कि आइए और छुटकारा पाइए सिर्फ 90 रुपए में। क्यों? कानून ऐसा बना हुआ। तो आप जरा बताइए कि इस कानून के आधार पर अगर अदालत कोई फैसला देगी तो न्याय कहां मिलेगा उसमें? क्योंकि न्याय तो यह कहता है कि जो बच्चा आना चाहता है जीवन में दुनिया में वो अकेला नहीं आ रहा है, वो दो लोगों की सहमति से आ रहा है, वो खुद नहीं आ रहा, उसमें दो लोगों की सहमति है। तो दो लोगों की सहमति से जो जीवन में आना चाहता है उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया? लेकिन क्या है, कानून ऐसा है, इसमें न्याय कहां? यह तो सरासर अन्याय है। जिस देश में चींटी को मारना भी पाप माना जाता हो, जिस देश की माताएं चींटी को भी आटा डालने की काम करती हो, उस देश में बच्चों के अबॉर्शन कराना यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। यूरोप में चलता लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, यह तो अन्याय की व्यवस्था। ऐसे ही एक दूसरा कानून है हमारे देश में, 15 साल से ऊपर के गाय बैल हैं उनको काट देना चाहिए, यह कानून है। लेकिन अगर गाय बैल को आप मारेंगे पिटाई करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल, माने आप किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, नहीं तो केस चलेगा, लेकिन 15 साल का है तो उसको काट सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, माने पीट नहीं सकते लेकिन उसकी हत्या कर सकते, कानून है। और यह कानून क्यों बना है? तो कहने वाले ये कहते हैं कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, इसलिए उनको काट देना चाहिए, तो 60 साल के ऊपर के मां बाप भी बूढ़े हो जाते हैं उनको भी खत्म कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल को काट दिया जाए, ये कानून अगर है तो इसमें न्याय कहां है?
आप ध्यान करिए, कानून एक अलग चीज है, न्याय एक दूसरी चीज है। हमारी अदालतें कानून के आधार पर काम करती हैं, न्याय नहीं देती। और जिन अदालतों में न्याय नहीं मिलता उनको हम न्यायालय क्यों कहते हैं? उनको हम कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, लेकिन उनको न्यायालय क्यों कहें हम? क्योंकि वहां न्याय मिलता ही नहीं, वहां तो अन्याय होता है कानून के आधार पर। और जिन अदालतों में एक स्त्री तराजू लिए हुए आंखों पे काली पट्टी बांधकर अगर खड़ी हुई हो तो वहां आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए धृतराष्ट्र कभी न्याय नहीं कर पाया। कैसे संभव है वहां न्याय मिलेगा? इसलिए हिंदुस्तान में न्याय की व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी। यह तो अन्याय की व्यवस्था है जो चल रही है। अंग्रेजों ने चलाई थी यह अदालत, तो अंग्रेजों के बाद खत्म कर देनी चाहिए थी, हमको अपनी अदालतें चलानी चाहिए थी और सोचना चाहिए था कि अंग्रेजों से पहले 25,000 साल का यह देश है, तब कैसे फैसले होते थे? उस जमाने में फैसले होते थे गांव पंचायत में, गांव समाज फैसले करता था, गांव की अदालतें होती थी, सारे फैसले वहीं हुआ करते थे। तो हजारों साल अगर इस देश में ग्राम पंचायतें फैसला कर सकती हैं तो आज क्यों नहीं कर सकती? आज भी हो सकता, बशर्ते कि इस व्यवस्था को उलटने की जरूरत है। और यह व्यवस्था इसलिए भी उलटनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले तो यह अन्याय की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समाज में न्याय नहीं मिलता वहां अन्याय बहुत होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा उनकी अंग्रेजों वाली है। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आती। तो उनको मैं कहता हूं कि जब अंग्रेज नहीं थे तभी हिंदुस्तान में न्याय था, जब से अंग्रेज आए तब से अन्याय आया इस देश में। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितना न्याय था अंग्रेजों के आने के पहले। वही पुरानी बात याद दिला रहा हूं, चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा न्याय मिलता था। न्याय मिलता था तो न्याय की कोई व्यवस्था होगी तभी न्याय मिलता था। उस जमाने में सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, आईपीसी नहीं था, लेकिन न्याय मिलता था लोगों को। कैसे? एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा था? एक छोटा सा बच्चा था, दो माताएं थी, एक माता कहती थी ये मेरा बेटा है, दूसरी माता कहती थी ये मेरा बेटा। तो जब दोनों माताओं में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों आपस में फैसला नहीं कर पाई कि बेटा किसका है, बच्चा किसका है, तो दोनों चंद्रगुप्त की अदालत में गई। चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपनी पूरी अदालत बिठाई और उस जमाने की जो अदालत होती थी उसमें उन दोनों माताओं को पेश किया। चंद्रगुप्त खुद सिंहासन पर बैठा और उसने एक माता से कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो हिंदुस्तानी न्याय की जो पद्धति थी उसमें वकील नहीं होता था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी, आप मुझे बताइए सीधी सी बात कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है या मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ है तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहेंगे या आपका वकील ज्यादा अच्छे से कहेगा? यह जो अंग्रेजियत की न्याय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि पहले आप अपनी बात वकील को समझाइए, वकील फिर अदालत में समझाएगा, आप सीधे क्यों नहीं समझा सकते? तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति में वकील नहीं होता था, यह वकील की व्यवस्था तो अंग्रेजों की डाली हुई है। और अंग्रेजों की इस व्यवस्था को गांधी जी कहते थे यह दलाली का काम है, इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी थी और बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। वो मानते थे कि यह दलाली का काम है, इसमें न्याय नहीं मिलता कभी। तो चंद्रगुप्त की अदालत में जब दोनों बहनों के ऊपर मुकदमा चालू हुआ तो एक बहन से चंद्रगुप्त ने कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है, तो एक बहन खड़ी हो गई, उसने सिद्ध किया कि बच्चा उसका। तब चंद्रगुप्त ने एक दूसरी बहन से कहा कि अब आप सिद्ध कर दो कि यह बच्चा आपका है, तो दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध किया कि बच्चा उसका। चंद्रगुप्त धर्म संकट में पड़ गया कि असलियत में मां कौन है पता कैसे लगाया जाए। तो फिर उसने कहा कि जाओ तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए तलवार मंगाई गई वैसे ही चंद्रगुप्त ने देखा कि जो असली मां थी वो खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, दूसरी महिला को दे दो, कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। तो चंद्रगुप्त समझ गया कि असली मां यही है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि नकली मां से बच्चा छीन कर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। यह थी हिंदुस्तानी न्याय पद्धति जिसमें 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। अब आप इसी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए,
दोनों मर गए। और मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे और तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति थी जिसमें 3 मिनट में न्याय मिलता था, ये अंग्रेजियत की न्याय पद्धति है जिसमें वर्षों वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हुए हैं। 4 करोड़, आप जरा कल्पना करिए तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माने 4 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में न्याय की आस में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब न्याय मिलेगा उनको। हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-16 करोड़ परिवार हैं, और उन 15-16 करोड़ परिवारों में 4 करोड़ परिवार अगर न्याय की आस में बैठे हुए हैं तो ये कौन सी न्याय पद्धति है? माने 1/4 परिवार न्याय की तलाश में है, पता नहीं कब न्याय मिलेगा। इसलिए आपको ये बदलनी पड़ेगी पद्धति, और एक हिंदुस्तानी पद्धति आपको लानी ही पड़ेगी इस देश में। और हिंदुस्तानी पद्धति इसलिए लानी पड़ेगी कि हजारों साल वो पद्धति चलती रही और उसमें न्याय मिलता रहा। इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं, हिंदुस्तान में एक से एक न्यायप्रिय राजा हुए हैं। तो जिस देश में न्यायप्रिय राजाओं की भरमार रही हो उस देश में न्याय पद्धति जरूर रही होगी। उसको तलाशने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। हो सकता है वो उसी स्वरूप में आज लागू नहीं हो पाए, तो थोड़ा हेर फेर करके थोड़ा बदल के हम उसको लागू करा सकते। इसलिए ये न्याय पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। माने पूरी व्यवस्था आपको बदलनी है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजियत की व्यवस्था, तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। अब तक हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं, हम सत्ताएं बदल रहे हैं। एक पार्टी का राज आता है, दूसरे का आ जाता है, दूसरे का आता है फिर तीसरे का आता है, तीसरे का आ जाता है फिर चौथे का आ जाता है, फिर पांचवें का आ जाता है। माने पार्टियों को हम बदल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अब मैं आपसे यह कहने आया हूं कि पार्टियों को बदलने का काम बंद करिए, व्यवस्था बदलने का काम शुरू करिए। और इसको मैं एक मुहावरे के रूप में कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं? कार का ड्राइवर बदल रहे हैं, कार वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चल रही है। इसलिए अब इस कार को बदलिए, तो आप इन तर्कों में मत फंसिए जो राजनीतिक पार्टियां आपको फंसाना चाहती हैं। पार्टियों के तर्क क्या हैं? स्थिरता। तो पूछिए प्रश्न कि इस स्थिरता ने दिया क्या हमको 50 साल? वही अंग्रेजों की व्यवस्था। स्थिरता का माने क्या? अंग्रेजों की चलाई गई 250 साल पुरानी व्यवस्था आज भी चलते रहे, यही स्थिरता। स्थिरता का माने यह नहीं होता। हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये पार्टियां 50 साल से हमको बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना बना के आपसे वोट ले जा रही हैं। अब तो इसमें परिवर्तन की बातें सोचिए। और परिवर्तन कैसे होता? परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता है। जिन चीजों का आप परिवर्तन कराना चाहते हैं उन चीजों पर समाज में बहस करना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में पता है क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति और परंपरा में यह कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, इसलिए उसको समझकर बोलिए। माने क्या है? शब्द में बहुत शक्ति। तो अगर शब्द में शक्ति है, और शब्द की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है, इस देश में आपको दो ही उदाहरण मैं दूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता का। क्यों? क्योंकि गीता शुरू होने के पहले अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कायर है, कमजोर है, नपुंसक है, और कह रहा है कि इन कौरवों को क्यों मारूं और कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने भाई बांधव हैं। कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव नहीं है, ये अधर्मी हैं, इन्होंने नाश किया है धर्म का, इसलिए इनको मारना तुम्हारा धर्म है। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं कर रहा है, बाण नहीं चल रहा है उस पर। तो कृष्ण ने सुनाई है उसको गीता। गीता माने कुछ शब्द हैं जिनसे मिलकर बने हैं श्लोक। तो शब्दों का भंडार कृष्ण ने खोला है, और उन शब्दों को सुन सुनकर अर्जुन इतना शक्तिशाली हुआ है कि फिर उसने बाण चलाए। माने शब्द से आदमी बदल जाता है। दूसरा एक उदाहरण दूं कि हिंदुस्तान में आपने तमाम राजाओं के बारे में सुना होगा जिनकी सेनाएं हार रही हैं, भाग रही हैं, राजाओं ने ललकारना शुरू कर दिया, भागती हुई सेनाएं रुक गई हैं और फिर जीता है युद्ध। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है हिंदुस्तान में। तो शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल करना अगर सीख जाएं तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं।
फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी तीन शब्दों के आधार पर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी क्या है, ये दो शब्द हैं, इन्हीं दोनों शब्दों ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को बदल दिया था। दुनिया में किसी भी देश में आप जाइए, इतिहास उठाकर पढ़िए, हर उस देश की व्यवस्था बदल जाती है जिस देश में लोग शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप इस देश की व्यवस्थाओं को अगर बदलने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो सत्यानाशी है, अत्याचारी है, हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप इसको कहना शुरू करिए। कहने में बहुत शक्ति होती है, और आप ये कहने की शक्ति का ही उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी, और आग लगी है तो आप चिल्लाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाते हैं, मेरे घर में आग लगी है, आग लगी, आग लगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के उस आग को बुझाने की कोशिश करता। किसी के पास बाल्टी होती है, बाल्टी से पानी डालता, किसी के पास लोटा होता है, वो लोटे से पानी डालता, किसी के पास कुछ नहीं होता तो पूरे गांव में घूम घूम कर चिल्लाता है कि आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। आज हमारे देश में वही अंग्रेजियत की आग लगी है, हमको ये चिल्लाना शुरू करना पड़ेगा। कम से कम इसको चिल्लाना शुरू करिए, और इसके चिल्लाने में बहुत शक्ति निकलेगी। आप कहना शुरू करिए कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था क्यों चल रही है 50 साल से। एक साधारण सा वाक्य बोलना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में, हर एक एक दूसरे से पूछिए कि 50 साल से अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों चल रही है, 250 साल पुराने कानून क्यों चल रहे हैं, वही कानून क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये बातें जब घूमने लगेंगी पूरे भारतीय परिवेश में, तो इन बातों में से शक्ति पैदा होगी, और वही शक्ति व्यवस्था परिवर्तन के काम में आएगी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब आदमी अपना परिवर्तन पहले करे। शब्द में शक्ति तब पैदा होती है कि जिस शब्द को आप बोल रहे हैं उसका आचरण आपके जीवन में है कि नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आचरण नहीं करते और वो शब्द बोलेंगे तो आप हो जाएंगे हिप्पोक्रेट, जैसे आज के नेता हैं, वो जो कुछ बोलते हैं वही अपने जीवन में कभी धारण नहीं करते। तो चूंकि वो जीवन में धारण नहीं करते इसलिए उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो आप अगर शब्दों को बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहले अपने जीवन में धारण करिए। तो जब आप लोगों से कहेंगे कि अंग्रेजियत हमको नहीं चाहिए, तो आप अपने जीवन से पहले अंग्रेजियत को बाहर निकालिए। तो आप पूछेंगे कैसे निकालें। अंग्रेजियत को बाहर निकालने के बहुत आसान से दो तीन सूत्र हैं जो मैं आपको बताने आया हूं। हुआ क्या है, हम दिमाग से भी अंग्रेजियत वाले हैं, अब आचरण में भी अंग्रेजियत आ गई है। दिमाग से अंग्रेजियत वाले हैं, पिछले 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से वो व्यवस्था चल रही है। आचरण में अंग्रेजियत कहां से आ गई है, हमारे घर घर में विदेशी कंपनियों का माल घुसा हुआ है, घर घर में विदेशी सामान खरीदा जाता, हर घर में विदेशी सामान को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता। लोग कहते हैं इंपोर्टेड माल माने बहुत ऊंची चीज कोई, स्वदेशी माल माने घटिया, विदेशी माल माने अच्छा। ये विदेशी माल अच्छा है, स्वदेशी माल घटिया है, अंग्रेजों के जमाने में चलता था ये सूत्र, वही आज भी चल रहा। तो घर घर में अंग्रेजियत घुस रही है उन सामानों के आधार पर जो आप खरीद रहे हैं विदेशी कंपनियों से। कितने सामान हम खरीदते हैं विदेशी कंपनियों से सवेरे से लेकर शाम तक, आपको उसका अंदाजा नहीं। आप सवेरे ही सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं विदेशी कंपनियों। एक चाय बिकती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है लिप्टन टाइगर, यह भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है ताजमहल, यह भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनियां। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं, चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय।
क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे, कॉफी पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे, तो क्या पियेंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पियेंगे या दही की ताक पियेंगे या लस्सी पियेंगे या नारियल का पानी पियेंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पियेंगे, मैंने कहा नहीं पीऊंगा, तो कहने लगी क्या पियेंगे, मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए, कहने लगा वो नहीं है हमारे पास, मैंने कहा क्यों नहीं है, कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए, उनका मुझे नहीं मालूम, सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है, साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है, उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या होता, हमारे यहाँ साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है, तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे हैं, माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं, अपने शरीर का और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं, परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही हैं। पता है क्या होता, चाय हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में एक किलो, माने बीच का मुनाफा चला गया सब परदेशी कंपनियों। क्या होता है, हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते हैं। आपको मालूम है हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए, हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए, गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों, अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि 4 गाय एक आदमी देख सकता, तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5,600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो तो हर गाय एक साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करती है, गोबर जो देती है उसमें से 25,000 रुपए का खाद बनता एक गाय से, तो हर साल हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए का खाद पैदा होगा। ये 25,000 करोड़ रुपए का खाद आपके देश के किसानों के काम में आएगा और उस खाद से जो गेहूं पैदा होगा, चावल चना पैदा होगा, उसका टेस्ट आप भूल गए हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भर भर के आपने खेत का नाश कर दिया। तो हम गाय का दूध पिएंगे, 5,600 करोड़ का दूध बिकेगा, 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 करोड़ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा, ये सब काम इस देश में हो जाएंगे। एक छोटा सा काम आपको करना है, अंग्रेजियत को छोड़िए, चाय कॉफी बंद करिए। उसके बाद आप अगर चाय कॉफी बंद करेंगे तो गाय का दूध,
नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, ये सब पिएंगे। संतरे का रस पिएंगे तो पैसा किसान के पास जाए, मौसमी का रस पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाए, नींबू का शरबत पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा। माने चाय कॉफी छोड़कर आप कुछ भी पिएंगे भारतीय व्यवस्था का, तो पैसा देश का देश में ही रहेगा और हमारे ही किसान के पास जाएगा। ऐसे मैं आपसे दूसरी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में अंग्रेजियत की टूथपेस्ट आती है, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट करने के लिए टूथब्रश भी। किसी से भी मैं पूछता हूं कि क्यों करते हैं ये कॉलगेट, तो कहते राजीव भाई सांस की बदबू दूर होती और दांतों की सड़न दूर होती। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी। एक दिन ये बात मैंने मेरे घर में पूछी मेरी दादी माँ को, मेरी दादी माँ की उम्र है 75 साल। मैंने कहा दादी माँ तुम्हारे जमाने में तो कॉलगेट नहीं था तो तुम्हारे दांत तो सड़ गए होंगे और तुम्हारी सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कभी दादाजी तुम्हारे पास नहीं बैठते होंगे। तो उसने कहा कि बेवकूफ मेरे दांत अभी तुझसे ज्यादा अच्छे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि नीम का दातुन करती, बबूल का दातुन करती। माने अगर दांत बचाने हैं तो नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन, और दांत सड़ाने हैं तो करिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, और एक दिन में 10-10 बार करिए। जितनी बार ब्रश रगड़ेंगे उतनी जल्दी दांत खोखले हो जाएंगे, ये आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। क्यों, जिन देशों में टूथपेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें से एक देश है अमरीका, और अमरीका में ही सबसे ज्यादा दांतों के मरीज हैं और दांतों के डॉक्टर भी हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बर्बादी आई है दांतों की, क्योंकि पेस्ट खरीदते हैं। और ये पेस्ट क्यों खरीदते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है, दुर्भाग्य से कोई भी टूथपेस्ट में क्वालिटी नहीं है, ये जो कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस। क्यों, क्योंकि ये कॉलगेट बनाने वाली कंपनी, पेप्सोडेंट बनाने वाली कंपनियां कभी नहीं बताती आपको कि ये टूथपेस्ट बनता कैसे। कोई कंपनी अपने डिब्बे पे नहीं लिखती कि ये टूथपेस्ट कैसे बनाया। और ये भी जान लीजिए किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को ISI मार्क नहीं है, कॉलगेट को ISI मार्क नहीं, पेप्सोडेंट को ISI मार्क नहीं, क्लोजअप को ISI मार्क नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रद्दी किस्म के टूथपेस्ट हैं। क्यों है ये रद्दी, ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका जैसे टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा। और हम क्या करते हैं रोज सवेरे ही सवेरे उठ के मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है। बदबू दूर हो रही है कि बदबू आ रही है, और ऊपर से क्या कर रहे हैं ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक एक दूसरी चीज है टूथपेस्ट में, उसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट, इसको अगर दूसरी भाषा में कहूं तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, और तीसरी भाषा में कहूं तो वो चीज जिससे बनता है सर्फ और रिन। माने जिस चीज से कपड़ा धोने का साबुन बनता है वही चीज डाली जाती है टूथपेस्ट में। क्यों डालते हैं, झाग बनाने के लिए। हमारे यहां कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि जितना ज्यादा झाग बने उतना ही अच्छा टूथपेस्ट, तो उनसे मैं कहता हूं कि रिन से दांत साफ करिए, उसमें सबसे ज्यादा झाग बनता। ये बेवकूफी है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज है टूथपेस्ट में, सिंथेटिक डिटर्जेंट के अलावा एक तीसरी खतरनाक चीज है, उसको कहते हैं फ्लोराइड। ये फ्लोराइड वो जहर है जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो हमारे देश में टूथपेस्ट बिक रहे हैं जिनमें मिलाया हुआ है फ्लोराइड जैसा जहर, जिनमें मिलाया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। अब आप बताइए कि इन चीजों में क्वालिटी है क्या। ये सब चीजें बहुत ही रद्दी चीजें हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर क्वालिटी कहां है। बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन, बबूल का दातुन। जानते हैं क्यों, नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। हमारी प्रकृति में 3-4 ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते, तुलसी, नीम, पीपल और बड़। तुलसी को घर के आंगन में क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। नीम को घर के दरवाजे पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता। उस नीम के दातुन में है ऑक्सीजन, और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। हमें हमेशा जरूरत है ऑक्सीजन की।
तो आप नीम का दातुन करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, और उससे भी बढ़िया एक दूसरा काम होता, जितनी देर आप नीम का दातुन चबाएंगे उतनी देर आपके मुंह में लार बनेगी, सलीवा बनेगा, और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती है। पेट की गड़बड़ी को दुरुस्त रखने में नीम के दातुन से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं। तो आप नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, अमरीका में, जर्मनी में इस समय कैंसर की सबसे अच्छी दवा नीम से बनती है, लेकिन अमरीका में नीम नहीं है, होता ही नहीं है वहां, जर्मनी में भी नहीं होता, तो कहां से जाता है? हिंदुस्तान से जाता है। यहां से जाता है नीम, उसमें से निकालते हैं नीम का तेल, उससे बनाते हैं दवाएं, और वो दवाएं पता है अमरीका में किस भाव में बिकती हैं? नीम से बनाई हुई अमरीका में कैंसर की एक गोली 980 रुपए की है इस समय। और अमरीका की वो कंपनी क्या सोचती है कि उनके देश में तो नीम होता नहीं, तो हिंदुस्तान में नीम होता, तो उसने क्या किया, नीम पर पेटेंट करवा लिया, और नीम पर पेटेंट करवा के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आए जो अमेरिका के उस पेटेंट को हिंदुस्तान में भी मान्यता दे, तो हमारा सारा नीम उनके कब्जे में चला जाए। आपको मालूम नहीं है बेस्ट क्वालिटी हमारे पास है, और ये मालूम क्यों नहीं है? जब से घर में इडियट बॉक्स आया है, जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं, वो कभी जाहिरात नहीं देता नीम के दातुन की। कॉलगेट की जाहिरात रोज आती है, दिन में 50 बार आती है, 100 बार आती है, लेकिन नीम के दातुन की कभी नहीं आती। जिसमें बेस्ट क्वालिटी है वही कभी नहीं बताता। और हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में हजारों साल से यह नीम का दातुन होता आया, आज हमने मान लिया कि वो बेवकूफी है। अब स्मार्टनेस किसमें है? जानवरों की हड्डियों का चूरा रगड़ने में स्मार्टनेस, और बेस्ट क्वालिटी नीम का दातुन करने में बेवकूफी लगती। इसलिए आप करिए नीम का दातुन, बबूल का दातुन। एक बार मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था बंबई में, एक विद्यार्थी ने कहा, राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, हम सब नीम का दातुन करेंगे, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान का नीम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 96 करोड़ लोग हैं इस देश में, सब नीम का दातुन तोड़ेंगे तो ये तो खलास हो जाएगा। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वही आपको कह रहा हूं कि नीम खत्म नहीं होगा अगर हम एक छोटा सा काम और करें। आजकल क्या होता है, हमारे बच्चों के जन्मदिवस आते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं से केक खरीद लाते हैं, फिर मोमबत्ती खरीद लाते हैं, केक के चारों तरफ मोमबत्ती लगाते हैं, पहले दिया सलाई से उसको जलाते हैं, फिर फूंक मार मार के बुझाते हैं। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाते हैं? भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाते हैं जब किसी की मौत होती है। हम क्या कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसी के मरने की तैयारी भी करो। और ये आया कहां से है? अंग्रेजियत से आया है ये तंत्र। तो इस बेवकूफी की अंग्रेजियत को छोड़िए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाइए, घी के दीपक जलाइए, बुझाते नहीं है, भारतीय संस्कृति में दीपक जलाया जाता है, तो दीपक जलाइए। और एक दूसरा छोटा सा काम और करिए कि अपने बच्चे के नाम से उसके जन्मदिन पर एक नीम का पौधा लगाइए। तो आपके अगर मान लीजिए एक बच्चा है और उसके 50 जन्मदिन आए, भगवान से मैं तो कहता हूं कि 100 आए, लेकिन अगर 50 भी जन्मदिन आए तो वो 50 नीम के पेड़ लगाएगा। और हिंदुस्तान में 96 करोड़ की आबादी है, हर साल 96 करोड़ नीम के पौधे लगेंगे। और आपको मालूम नहीं है, एक नीम का पेड़ अगर 10 साल तक खड़ा रहे, उसको कोई काटे नहीं, तो 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता। तो अगर हमारे बच्चे ने 50 नीम के पेड़ लगाए अपने पूरे जीवन में, तो 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन पैदा होगी। इतना बड़ा काम होगा, और वो ऑक्सीजन काम किसके आएगी? हमारे। और नीम का दातुन हम सबको मुफ्त में मिलेगा। दातुन को कभी भी एक बार करके मत फेंकिए, एक बार किया उसको काट के पानी में डाल के रखिए, दूसरी बार भी काम आएगा। एक दातुन को मैं कम से कम 1 हफ्ते चलाता हूं। एक बार मैं ये बता रहा था तो आईआईटी का एक स्टूडेंट खड़ा होगा, कहने लगा क्या राजीव भाई उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, एक दातुन को बार बार कैसे करें, गंदा नहीं लगता? तो मैंने कहा भाई जरा ये बता कि एक टूथब्रश को कितनी बार करता हूं। एक बार किया धो के रख दिया, दूसरी बार किया धो के रख दिया, तीसरी बार किया धो, तो
तो एक टूथब्रश को सालों साल करता तो गंदा नहीं लगता, नीम का दातुन दो बार कर रहा है तो थोड़ा गंदा लगता है। कहने लगा राजीव भाई सच्ची में अपना दिमाग घूम गया है। मैंने कहा घूमे हुए दिमाग को सीधा कर ले फिर, और इसलिए आप दातुन खरीदिए। जो लोग दातुन नहीं कर सकते उनके लिए एक दूसरी बात, और इसके पहले एक छोटी सी बात और। एक बार मैंने हिसाब लगाया पूरे देश में परदेशी कंपनियों का जितना टूथपेस्ट बिकता है और टूथब्रश करीब 450 करोड़ रुपए का है, और ये 450 करोड़ रुपया हम दे देते हैं परदेशी कंपनियों को। अगर इतने रुपए का नीम का दातुन बिके या बबूल का दातुन बिके तो जानते हैं क्या होगा, कम से कम 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए कभी बंबई में, हर स्टेशन के बाहर नीम का दातुन बबूल का दातुन बिकता, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, सवेरे से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग हैं खरीदते हैं। कि अगर सब लोग उनका दातुन खरीदें तो पैसा उस गरीब के पास जाएगा और वो उस गरीब के माध्यम से किसान के पास पहुंचेगा। तो अगर ये व्यवस्था बने तो 4 लाख किसानों को हम रोजगार दे सकते हैं, माने 4 लाख किसान हिंदुस्तान में सिर्फ नीम का पेड़ लगाकर ही रोजगार पा सकते हैं। ये व्यवस्था हम चला सकते हैं। और जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो उंगली से मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, सबसे बढ़िया दंत मंजन नमक मीठू वो आपके सबके घर में है। दंत मंजन क्यों करें, क्योंकि ये जो उंगली होती है दाहिने हाथ की पहली उंगली, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेरिडियन पॉइंट है। तो जितनी देर आप उंगली से दांत साफ करते हैं, दांतों की सफाई होती है, मसूड़ों की मालिश होती है, उससे भी बड़ा काम होता है आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई होती है, आपको मालूम नहीं है। इसलिए हजारों साल से इस देश में उंगली से दांत साफ करने की परंपरा है। बहुत वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। तो या तो उंगली से दांत साफ करिए या करिए दातुन, दोनों बेस्ट क्वालिटी है। हिंदुस्तान का 700 करोड़ रुपया बचेगा, 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ऐसा ही एक तीसरा छोटा सा निवेदन, हमारे घरों में साबुन आता है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैने, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह वगैरह, ये सब साबुन क्यों खरीदते हैं। एक बार मैंने एक भाई से पूछा कि लक्स से क्यों नहाते हो, कहने लगा माधुरी दीक्षित कहती। एक दूसरे से पूछा कि तुम क्यों लगाते हो, कि हेमा मालिनी कहती। तो कभी माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी कुएं में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। कि बेवकूफी मत करिए। और मैं शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्स से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो आप पूछेंगे मुझको कैसे मालूम। मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले, बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में, और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ, एक कोई फिल्मी हीरो है उनका नाम है धर्मेंद्र, उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने, मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको, मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए मैं आऊंगा, क्या आपकी फीस क्या है। मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पुणे और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो, नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो, नहीं। कैमे से नहाती हो, नहीं। लिरिल से नहाती हो, नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो। तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे। तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती हैं तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती। कहने लगी डर लगता। मैंने कहा क्या डर लगता, कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाए।
तुम लेनी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए, कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है, जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। और आप ये चाहें तो प्रयोग करिए, साबुन से नहाइए, नहाने के 20 मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और आजकल ठंडी का दिन है, साबुन से नहाइए, 10 मिनट बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए। क्यों? उसमें जो कास्टिक सोडा है वो आपकी शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन सबसे रद्दी चीज है। तब आप पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी, मिलती है अभी भी इस देश में, खरीद लाइए बाजार से। क्या करें उसका? मुल्तानी मिट्टी को दही में डाल दीजिए रात को, या दही की ताक में डाल दीजिए, सवेरे तक एकदम मुलायम हो जाएगी। उसको पेस्ट बनाइए, शरीर पर ऐसे ही लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और नहा लीजिए गर्म पानी से, एकदम फ्रेश हो जाएंगे आप। दूसरा तरीका, चने का आटा माने बेसन, उसमें मलाई मिलाइए, पेस्ट बनाइए, उसको रगड़िए और उससे नहाइए। तीसरा तरीका, आप जो है अपने घर में ले आइए मसूर की दाल का आटा, मसूर की दाल होती है उसको पिसवाइए, उसका आटा बनता, उसमें शहद मिलाइए, मध मिलाइए, और उसका पेस्ट बना के उससे शरीर को लगाइए और गर्म पानी से नहाइए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। चौथा तरीका, मुल्तानी मिट्टी लीजिए, अरीठा का पाउडर लीजिए, शिकाकाई पाउडर लीजिए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाइए, डिब्बे में बंद करके रखिए, एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नहाने के 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डाल दीजिए, और उस पानी से पहले शरीर के बाल धो लीजिए, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, और फिर उसी पानी से शरीर से नहा लीजिए, आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं सबसे अच्छा, आपके यहां अकोला में गाय के गोबर से एक साबुन बनता, और गाय के गोबर से जो साबुन बनता है, पिछली बार मैं आया था यहां से खरीद के ले गया था, और मैंने मेरे सब दोस्तों को बांटा, मैं भी नहाता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि उस साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर में से खुशबू निकलती। फिर एक दिन मैंने पुराने कुछ ग्रंथ खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में जब यज्ञ किया जाता था तो किसी भी राजा को यज्ञ करने से पहले गोबर से स्नान करना जरूरी होता था। भगवान राम ने भी यही किया था। जब भगवान राम ने यज्ञ किया तो गोबर से स्नान किया था, तब यज्ञ करने के लिए बैठ पाए थे। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है, और गोबर से स्नान करना बहुत ऊंची बात है। आपके घर में अगर देसी गाय है तो उसके गोबर से आप सीधे स्नान कर सकते हैं, नहीं है तो आपके अकोला में बनता है इतना अच्छा साबुन, और अगर आप वो खरीदेंगे तो पैसा कहां जाएगा? अकोला का पैसा यही रहने वाला है। और वो साबुन यहां के किसी गौशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां? गौशाला में जाने वाले, उस गौशाला को चलाने वाले कुछ भाइयों को रोजगार मिलेगा। और मेरी तो कल्पना है कि ऐसी गौशालाएं गांव गांव गली गली घर घर में खुल जाए, और उनमें से ये गोबर निकलेगा, साबुन भी बनेगा, दूध बनेगा, घी निकलेगा, क्या क्या नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। तो आप ये फालतू के साबुन खरीदना बंद करिए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, अरीठा शिकाकाई मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से नहाइए, या फिर चने के आटे से नहाइए, या फिर आपके गांव में जो गोरस का गोबर से साबुन बनता है उससे नहाइए। हिंदुस्तान का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं, ये मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और ऐसे ही एक निवेदन और है कि कभी भी अपने घर में फेयर एंड लवली मत लाइए, क्योंकि ये फेयर एंड लवली के बारे में कहते हैं गोरेपन की क्रीम। अब आप मुझे बताइए कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं, इस फालतू के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर बनने का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। और आप एक चीज और जान लीजिए, सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं कल नहीं रहने वाले हैं, शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा, भारत का अध्यात्म यही कहता। इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। तो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है,
सुंदरता तो कर्म से आती है, इसलिए घर में ये कॉस्मेटिक्स लाना बंद करिए, हजारों करोड़ रुपया बचेगा। और ऐसी एक दो छोटी छोटी बातें और कि हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिम्का, सिप्रा। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में पानी बेचा नहीं जाता, लेकिन यहां परदेशी कंपनियां 12 रुपए लीटर का पानी बेचती, माने गाय का दूध मिलता 10 रुपए लीटर, पानी मिलता 12 रुपए लीटर। कौन सा देश है और किस देश में आप रह रहे हैं? और ये परदेशी कंपनियों का पानी पी रहे हैं गांव गांव गली गली में। मुझे बहुत दुख होता है कि हिंदुस्तान में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता, और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनियां पेप्सी और कोका कोला बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के ले जाती। ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। क्या केमिकल्स हैं? सबसे खतरनाक चीज है पेप्सी कोला कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। शरीर विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। हम बेवकूफी करते हैं, पेप्सी पीपी के, कोका पीपी के, उसको अंदर ले जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो और खतरनाक चीजें हैं उन बोतलों में, वो क्या है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम ग्लूटामेट, एक है पोटेशियम सॉर्बेट, और उसमें है लेड एसीटेट। ये सब चीजें क्या करती हैं? एक साथ मिलकर ये सब चीजें किडनी फेल कर देती। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे उतना ही किडनी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी, और किडनी फेल होने का क्या कष्ट होता है ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप। हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, और जब उनकी शक्ल आती है कभी कभी टेलीविजन पे या अखबारों में तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खून निचोड़ लिया है किसी ने। उनको प्रतिदिन 8 घंटे डायलिसिस पर रहना पड़ता है, और 8 घंटे डायलिसिस पे क्या होता है? पूरा खून खींचा जाता है, साफ करके डाला जाता है दोबारा। इतना कष्ट होता है अगर दोनों किडनी फेल हो जाए। भगवान की दी हुई दोनों किडनियां क्यों फेल कर रहे हैं? पीपी के, पेप्सी और कोका कोला। और मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, उसी डिपार्टमेंट में जहां किडनी के ऑपरेशंस होते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या हालत है तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? कहने लगा भयंकर केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। मैंने कहा क्या तुमको लगता है? तो उसने कहा 90% केसेस वो आ रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पी पी के किडनी फेल करा रहे हैं यंग एज। तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। और इसलिए भी पेप्सी और कोका कोला मत पीजिए कि 70 पैसे की बोतल बनती है और 10 रुपए की बिकती है। 72 पैसे में बनता है कोका कोला, 10 रुपए में बिकता है। और आप याद करिए, हिंदुस्तान में एक सरकार बनी थी 1977 में, उन्होंने कोका कोला को भगा दिया था। मुरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो कोका कोला को भगा दिया था। क्यों? एक बार मुरारजी भाई देसाई ने कोका कोला की फाइल मंगाई थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे। तो हुआ क्या था कि कोका कोला की फाइल मंगाई और पूछा कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या करती है, क्या बेचती है। तो पता चला कि कोका कोला कंपनी आई थी 1966 में 6.5 लाख रुपया लेके आई थी अमेरिका से, और जिस साल मुरारजी भाई की सरकार बनी थी उस साल कोका कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था। तो मुरारजी भाई ने कहा ये करती क्या है? पानी बेचती है। उस पानी की हमको जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा भगाओ इसको, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और कोका कोला कंपनी को नोटिस दिया गया, और कोका कोला कंपनी ने हिंदुस्तान छोड़ा बिना एक पैसे का मुआवजा दिए हुए। कोका कोला को भगा दिया था हिंदुस्तान से। वही कोका कोला फिर घुस गया इस देश में, और उसके बाद अब पेप्सी कोला भी घुस गया। और ये क्या कर रहे हैं? एक साल में पेप्सी कोला कंपनी का नेट प्रॉफिट 240 करोड़ रुपए का है, और कोका कोला कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए का है। एक साल में इन दोनों कंपनियों का 2000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है हमारे मार्केट में। पैसा बर्बाद हो रहा है। और पहले क्या था कि कुछ हमारी स्वदेशी कंपनियां भी थी, अब इन दोनों कंपनियों ने सबको हड़प लिया। हमारी एक कंपनी थी पार्ले जो थम्सअप और लिम्का बनाती थी, वो चली गई अब कोका कोला के कंट्रोल में। क्या हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए बेवकूफी में बर्बाद हो रहे हैं देश की इकोनॉमी के। हम क्या करें? पेप्सी और कोका पीना बंद करें।
और कभी भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए तो बोतल को मुंह से लगाने के 2 मिनट पहले सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं ये परदेशी कंपनी का पानी पीऊं? और तब आपके हाथ से अगर बोतल छूट जाए और गिर जाए तो आपसे बड़ा देशभक्त इस समय कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए देशभक्ति की अब एक ही परिभाषा है कि आप अगर विदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं और पैसा देश के बाहर जा रहा है और ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है तो मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है। तो ऐसा काम मत करिए, हिंदुस्तान को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हर साल हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उल्टे बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। तो ऐसे समय में हमको एक एक पाई बचानी है इस देश की। तो आपको मैं ये निवेदन करने आया कि अपने घर से ये अंग्रेजियत भगाइए, माने विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए और ज्यादा से ज्यादा बन सके उतने वो सामान खरीदिए जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं ताकि पैसा किसान के पास जाए। और ऐसे ये दूसरा आखिरी निवेदन कि ये आप अंग्रेजियत से बाहर निकलें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेलीविजन कम से कम देखें, क्योंकि ये जो टेलीविजन है ये रोज आपको उल्टी उल्टी बातें सिखाता है। मैं सिखा रहा हूं कोलगेट मत खरीदिए, टेलीविजन रोज कहेगा कोलगेट ही खरीदो, और दिन में 50 बार कहेगा 100 बार कहेगा। मैं कह रहा हूं विदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, टेलीविजन रोज दिन में 50-100 बार कहेगा कि यही खरीदो। और ये जिसको आप टेलीविजन कहते हैं उसको मैं इडियट बॉक्स कहता हूं। क्यों है ये इडियट बॉक्स? क्योंकि ये इडियट बनाता है आप। एक उदाहरण देखिए, टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, क्या कहते हैं? आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय। फिर एक बेटी कहती है आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। इसका माने क्या है? मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूं। और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप बताइए टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? 100% इडियोसिटी है। क्या दिखाता है टेलीविजन? लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब आप बताइए अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते हैं? आज से भोजन करना छोड़िए और एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनी। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो बिना लाइफ बॉय लगा के फुटबॉल खेलने जाता है तो गिर पड़ता, फिर लाइफ बॉय लगा के जो फुटबॉल खेलने जाता है तो बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मैं सोचता हूं कि लाइफ बॉय लगा के इतना अच्छा खिलाड़ी कोई हो सकता है तो इन सब खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की फुटबॉल की टीम जब ओलंपिक में जाती है तो क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने एक एक खिलाड़ी को लाइफ बॉय का एक एक पैकेट दिया होता तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते कम से कम। 100% इडियोसिटी है। उस इडियोसिटी का एक उदाहरण और देखिए, टेलीविजन पे दिखाते हैं कॉलगेट का विज्ञापन। कैसे दिखाते हैं? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती और अपनी सहेली से कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कोलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कोलगेट आ जाता है, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कोलगेट रगड़ते हैं। कोलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 पति पत्नी अगर कोलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप बताइए, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। अब ये इडियट बॉक्स कह रहा है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ। इसलिए ये इडियट बॉक्स है। और ये इडियट बॉक्स क्यों है? अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पे, घर की बड़े शान पड़ोसी की जले जान। तो इन्हें पड़ोसी की जान जलाने में पता है कैसे? भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? हमारी पूरी जिंदगी इसी में घुन चक्कर हो गई कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे।
गया हो गया बंटाधार भारतीय संस्कृति। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टेलीविजन देखना कम से कम करिए, और इसलिए भी कि ये जो टेलीविजन है ये हमारे देश में ना सिर्फ इडियोसिटी फैला रहा है, बल्कि भारत सरकार ने जब से ये जीटीवी, सीएनएन, एटीएन, स्टार टीवी, प्राइम स्टार, प्राइम स्पोर्ट्स, तमाम विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दी है हिंदुस्तान में, वो दिखा क्या रहे हैं? आपके बच्चों को वो सब दिखा रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आपके बच्चे बैठते हैं एटीएन पर रात दिन गाने सुनते हैं, क्या गाने सुनाते हैं? चोली के पीछे क्या है? चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब आप बताइए कि आपका 3 साल का बच्चा, 4 साल की बेटी, 5 साल के बच्चे रोज रोज ऐसे ही गाने सुने और रोज रोज ऐसी ही चीजें देखें, तो जरा सोचिए कि वो क्या बनेंगे। क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही बात कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही करते हैं फिर। तो रात दिन आपके बच्चे अगर ऐसे ही गंदे गंदे गीत सुनेंगे, ऐसे ही गंदे गंदे सीरियल देखेंगे, जरा बताइए तो सही कि टेलीविजन के सीरियल्स कैसे हैं? कोई कहता है कि एक सीरियल आता है शांति, कोई कहता है आता है स्वाभिमान, कोई कहता है आता है बनेगी अपनी बात, इन सब में क्या दिखाते हैं? हर एक सीरियल में एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। क्या दिखा रहे हैं शांति में? शादी के पहले बच्चे पैदा हो गए, और शादी क्या कर रहे हैं? एक बार एक से, दूसरे बार दूसरे से, तीसरे बार तीसरे से, चौथी बार चौथे से, माने ऐसे बदलते हैं जैसे कमीज बदलते हैं। ये यूरोप में तो हो सकता, हिंदुस्तान में ये नहीं चलता। और आपके बच्चे अगर यही सब देखेंगे, कभी कभी तो मैं डर पैदा करता हूं। आप जरा सोचिए कि हम 5 में जो कुछ दिखाया जाता है और जिस तरह के बच्चे हैं, देख देख कर अगर हम 5 आपके बच्चे भी वैसे ही हो गए तो आप सिर पीटेंगे एक दिन अपना। क्यों जानते हैं? क्यों? उसका एक कारण है, ये जो बच्चे होते हैं ये जब सीखते हैं किसी चीज को तो उसकी एक खास तरह की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बच्चों को सबसे ज्यादा सीख अगर देनी हो तो उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। कहानियों का बच्चों के मन पर जो असर होता है वो पूरी जिंदगी रहता है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जब छोटे थे बचपन में, मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो एक दिन वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए। हरिश्चंद्र का नाटक देखने से पहले उनकी मां ने उनको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, एक बार नहीं कई बार। तो एक दिन उनके गांव में, पोरबंदर में, हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने वाली कंपनी आई, तो उस नाटक कंपनी ने हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया। गांधी जी वो नाटक देखकर लौटे तो अपनी मां के सामने उन्होंने 2 संकल्प लिए कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आज के बाद कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, आजीवन अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलूंगा। हरिश्चंद्र की कहानी और नाटक देखकर मोहनदास करमचंद गांधी नाम का बालक महात्मा गांधी हो गया। तो जरा सोचिए कि शांति और स्वाभिमान